हेलो। हेलो। हाँ तो नो डेटा आ रहा है। कहाँ कनेक्ट हुआ है? अपने इस पे नहीं आया ना। यहाँ तो दिख ही नहीं रहा। चलो जी, यस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलो जी, अगर आपको याद हो, अगर आज आपने या अपने कल तक का डिक्लेरेशन नहीं सुना हो तो डिक्लेरेशन सुन लीजिए। ये पूरा का पूरा फास्ट ट्रैक CACMA फाइनल वालों के लिए फ्री है, तो जो चाहे वो बैठ सकता है। इनफैक्ट अगर आप फेस टू फेस में आना चाहें तो फेस टू फेस में भी आकर के बैठ सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हम सब नालायक लोग है ही जो यू नो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट आप भी आके बैठ सकते हैं। चलो एक बार कल का रिकॉल कर लेते हैं पहले कुछ, और फिर आज का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज जो हम लोग लेने वाले हैं ये अगेन टैक्स कैलकुलेशन ही है। कल भी हमने टैक्स कैलकुलेशन स्टार्ट किया था, आज उसके आगे का पार्ट हम लोग लेने वाले हैं। राइट, जल्दी से आ जाइए, सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। चलो एक क्विक रिविजन करते हैं फटाफट। प्लीज टेल मी, कोई भी टैक्स लगाना है तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दी है आर्टिकल नंबर 265। नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो अथॉरिटी ऑफ लॉ के तहत ही हो पाएगा। ये अथॉरिटी कौन है? हु कैन पास द लॉ? यस, पार्लियामेंट है या तो प्रेसिडेंट है। याद आ रहा है आप लोगों को? या तो पार्लियामेंट है या तो प्रेसिडेंट है। अच्छा एक मिनट, जब हम टैक्सेस की बात करते हैं तो ये टैक्स कलेक्ट कहां किया जाता है? सेंटर पे। क्या सेंटर पे कलेक्ट होने के बाद ये डिवाइड हो जाता है? यस, लेकिन एक चीज है जो डिवाइड नहीं होती, वो थी सरचार्ज। सरचार्ज कभी भी डिवाइड नहीं होता। और जो सेस होता है, क्या वो हम सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं? यस, वो सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज हो सकता है। ये तीनों पैसा कहां जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर में जाता है। अच्छा जी सर, व्हाट इज द स्कोप ऑफ इनकम टैक्स? यानी जब हम इनकम टैक्स पढ़ते रहते हैं तो क्या हमें सिर्फ एक्ट पढ़ना है? नहीं, पहले एक्ट, फिर नोटिफिकेशंस, फिर सर्कुलर, फिर केस लॉस। ये चारों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। यस, डीटी के जो अमेंडमेंट्स है ये फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर से अप्लाई होते हैं, क्योंकि पूरा इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर की लैंग्वेज में लिखा हुआ है। याद आ रहा है तुम लोगों को? अच्छा जी सर, इसके साथ साथ एक और बात आप याद करिए सर, यू नो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहां पे आती है। इनकम टैक्स इज पेड बाय पर्सन। पर्सन के डेफिनेशन में मेजरली सात लोग आते हैं। जल्दी से बताओ कौन कौन? इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOPBY, लोकल अथॉरिटी, AJP। राइट, असेसी का डेफिनेशन मैंने आपसे कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है। असेसी बोलो जल्दी से। एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स और एनी अदर पर्सन फॉर हुम ही इज लाइबल डीम टू बी असेसी एंड असेसी इन डिफॉल्ट। ये तीन लोग इसके अंदर में कवर होते हैं। यस, जनरल रूल, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर, लेकिन इसके पांच एक्सेप्शन थे, याद करके देखो। पहला NR, शिपिंग बिजनेस। दूसरा AOPBY, फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। तीसरा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। चौथा क्लोजर ऑफ बिजनेस। पांचवा पर्सन लीविंग इंडिया परमानेंटली। याद आ रहा है मालिक तुम लोगों को? यस, तो हम लोगों ने ये चीज देखी थी वहां पे। अब बढ़ते हैं इसके आगे। अब बढ़ते हैं इसके आगे। यहां पे हम लोग गए थे टैक्स रेट देखने के लिए। दो तरीके के टैक्स रेट थे बेटा। पहला था नॉर्मल टैक्स रेट, सो नॉर्मल स्लैब रेट प्लस TDS रेट। ये कहां होता है? फाइनेंस एक्ट के अंदर में दिया हुआ होता है। एंड स्पेशल रेट ऑफ टैक्स आर गिवन इन इनकम टैक्स एक्ट। याद आ रहा है? तो स्लैब रेट हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था सबसे पहले इंडिविजुअल, रेसिडेंट बिलो 60, नॉन रेसिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, HUF, AOPBY, AJP इन जनरल टैक्स रेट।
अप टू 2,50,000 इज निल, 2,50,000 से लेके 5,00,000 तक के कितना परसेंट बेटा 5%, शॉर्टकट इज 12,500, याद आ रहा है क्या तुमको? मैंने आपको बोला था शॉर्टकट कितना है बेटा 12,500 रुपए। फिर अगर आप देखेंगे 5,00,000 से 10,00,000 रुपीज तक के आपका टैक्स रेट इज 20%, शॉर्टकट इज 1,12,500 एंड अबव 10,00,000 30%, याद आ रहा है तुम लोग को? अच्छा जी, यहां पे हम लोगों ने देखा था कुछ और चीजें साथ साथ में बताई थी, क्या टैक्स निकालते वक्त टैक्स ही होगा या एचईसी भी होगा? एचईसी भी होगा एट द रेट ऑफ 4%। रिबेट भी था, मैंने आपको इसके पीछे लॉजिक भी बताया था रिबेट के पीछे। रिबेट के लिए दो कंडीशन थी, असेसी मस्ट बी इंडिविजुअल, ही मस्ट बी रेसिडेंट। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है एंड टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5,00,000 तो आपको रिबेट मिलेगा विच इज लोअर ऑफ कितना बेटा 12,500 और 100% ऑफ टैक्स। लेकिन 112A के टैक्स से रिबेट मिलता नहीं, क्या तुम्हें याद है? यस, ये पढ़ लिया था हम लोगों ने। इसके बाद हमने देखा था टोटल इनकम एंड टोटल टैक्स नीड्स टू बी राउंडेड ऑफ इन मल्टीपल ऑफ रुपीज 10। यस, इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि एक सर्कुलर आया था, प्रभु दयाल सिस्मा नाम का एक केस था जिसके तहत हम लोगों ने देखा था कि अगर असेसी 1 अप्रैल के दिन सीनियर सिटीजन बन रहा है एंड इन द प्रीवियस ईयर ही वॉज नॉट अ सीनियर सिटीजन, विल ही गेट द बेसिक एग्जम्पशन, हायर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट? यस, उसको वो मिल जाएगा। तो यहां तक के कल मोटे मोटे तौर पर हमने पढ़ा था, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे होमवर्क के लिए, आई एम श्योर आपने किए तो नहीं होंगे, है ना? अरे वो आदत ही चली जाती है, मतलब फाइनल में आके अपन डॉन बन जाते हैं ना, और होमवर्क वोमवर्क करते ही नहीं अपन। चलो करो अभी फॉल्स सॉल्व, चलो चलो टाइम तो होगा नहीं तुम्हारे पास, करो इसको सॉल्व करो। इस कॉन्सेप्ट के अंदर में अगर याद हो तो हमने राउंड ऑफ नाम का कॉन्सेप्ट किया था। यस, चलो आओ मेरे साथ सॉल्व करो फटाफट। 15,19,296 वाज टोटल इनकम। सबसे पहला स्टेप मेरे बच्चे ने क्या करना है, देख फाइनल के अंदर में प्रॉब्लम मैं तेरे को बताऊं कि क्या होती है मेरे भाई, फाइनल के अंदर में प्रॉब्लम ये होती है बच्चे को कॉन्सेप्ट पता है, उसको प्रैक्टिस पता है, एक चीज जो उसके साथ मिसिंग है वो है राइटिंग प्रैक्टिस। उसको एक्चुअल प्रैक्टिस क्या कर रहा है ये पता है, उसको कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे पता है, और ये बैच उसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज करवाएगी वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कर मेरे साथ इधर आकर के। अब मुझे बता सबसे पहली चीज तूने क्या करनी चाहिए मेरे बच्चा, राउंड ऑफ। इज इट 15,19,300? कौन सी फिगर पे फोकस करना था? आखिरी फिगर पे फोकस करना था। आखिरी फिगर अगर 5 या 5 से ऊपर है तो हायर साइड राउंड ऑफ, क्या तुम्हें याद है? यस, आखिरी फिगर अगर 5 या 5 से ऊपर है तो आप हायर साइड राउंड ऑफ पे चले जाते थे। यस, चलो जी अब बताइए अप टू एन इनकम, बोलो कहां तक की इनकम का आपको ऑलरेडी टैक्स पता है? 10,00,000 तक, 10,00,000 तक के। मैंने आपको बोला था एक सेपरेट कॉलम बना देना टैक्स का, क्या मैं यहां पे 1,12,500 लिख सकता हूं? यस एवरीबॉडी, बैलेंस इनकम कितना बचा 5,19,300, इस पे टैक्स रेट कितने परसेंट का आएगा? 30%। सो 5,19,300 का 30%, 1,55,790 टोटल कम्स टू 268,290। यस, ये बन गया मालिक आपका टोटल टैक्स। एक मिनट बताइए, क्या मेरी इनकम 5,00,000 रुपीज से नीचे है? क्या मेरी इनकम 5,00,000 रुपीज से नीचे है? नहीं। क्या मेरी इनकम 50,00,000 रुपीज से ऊपर है? नहीं। तो क्या मैं डायरेक्टली यहां पे एचईसी लगा सकता हूं एट द रेट ऑफ 4% ब्रो? इनटू 4% दैट कम्स टू 10732। 1 रुपए के लिए मेरे से झगड़ा मत करना, सब वैसे ही राउंड ऑफ होने वाला है, याद है ना तुमको? सो 279022 एंड में आकर के क्या राउंड ऑफ करना जरूरी होगा? 288 भी लगा दूं? 279020 यस और नो? तो ये पहला होमवर्क था जो मैंने आप लोगों को दिया था। यस, चलिए जी, कोई एक और होमवर्क था जो मैंने आप लोगों को दिया था? नहीं,
नहीं नहीं एक और दिया था ना, एक और था ना यार, कैसे क्या कर रहे हो? स्पेशल रेट ऑफ टैक्स का एक और नहीं दिया था? दिख तो नहीं रहा मेरे को भी, नहीं दिया था शायद। चलो डोंट वरी, अभी कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। हाँ जी सर, एग्जाम्पल नंबर टू, स्पेशल रेट्स, अभी कर लेते हैं। पीजीबीपी 9 लाख, डिविडेंट 3 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 6 लाख, लॉटरी 3 लाख, टोटल 21 लाख। आपके पास टाइम मिला करके 2 मिनट है इसको सॉल्व करने के लिए। फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, वर्टिकल भी चल सकता है, हॉरिजॉन्टल भी चल सकता है। चलो जल्दी, वन मिनट ओवर, एक मिनट, नहीं तो सीधा नेक्स्ट अटेम्प्ट। हाँ हाँ करो, फाइनल में हो, स्पीड लानी पड़ेगी ना मेरे भाई, स्पीड नहीं लाओगे तो होगा कैसे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 50,000, डू यू अग्री? लॉटरी 90,000, डू यू अग्री? टोटल 1,40,000 स्पेशल टैक्स, जितना जो कुछ बचा सब नॉर्मल में डाल दू, 12 लाख में से अप टू 10 लाख रुपीज तक का टैक्स मेरे को पता है। इज इट 1,12,500? बैलेंस बचा 2 लाख रुपीज, टैक्स रेट 30%, इज इट 60,000 रुपीज? सो 1,12,500 प्लस 60,000, इज इट 1,72,500 रुपीज? एवरीबॉडी यस? दोनों एक्सेल शीट मर्ज करेंगे क्या? यस yes? याद है ना ऑफिस में एक्सेल शीट दोनों उठाते मर्ज कर देते। ये आ गया 3,12,500 टोटल। हां जी, HEC एट द रेट ऑफ 4% इंटू 4%, डज दिस कम्स टू 12,500? टोटल कम्स टू 3,25,000। क्लियर है मालिक? यस yes. तो देखिए, नॉर्मल रेट और स्पेशल रेट के जो कंटेंट थे, कॉन्सेप्ट थे, वो हमने क्या कर दिए? ओवर। अब हम बढ़ रहे हैं थर्ड कॉन्सेप्ट की ओर, एंड दैट इज सरचार्ज। That is surcharge. Surcharge के अंदर में आया है amendment. Amendment, amendment, amendment. Finance Act 2022 का पहला amendment इस chapter में हम लोग discuss कर रहे हैं. मतलब ये fast track जो है ये totally amended है. इसके अलावा आपको amendment लिखते हैं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. चलो जल्दी से समझते हैं amendment आया क्या है. पहले कुछ याद दिलाता हूं. देखिए एक समय था जब surcharge जो लगता था, अगर इन केस ऑफ इंडिविजुअल, इन केस ऑफ HUF, इन केस ऑफ AOP, BOI, AJP, बराबर है, अगर इनकी इनकम एक्सीड करती है कितने लाख रुपीज से, 50 लाख, तो सरचार्ज इज 10%।
याद करके देखिए, यस, अगर इनकी इनकम, अगर इनकी इनकम क्या करती है बेटा, एक्सीड करती है, अगर इनकी इनकम एक्सीड करती है कितने से बेटा, 1 करोड़, द सरचार्ज इज 15%। अगर इनकी इनकम एक्सीड करती है 2 करोड़ से 25%, एंड अगर इनकी इनकम एक्सीड करती है 5 करोड़ से तो 37%। याद आ रहा है तुम लोगों को? यस, ये चार सरचार्ज के रेट हुआ करते थे। ये सरचार्ज के रेट इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AJP के केस में थे। फर्म एंड कंपनी के केस में सरचार्ज रेट्स आर डिफरेंट। यस, अब अमेंडमेंट कहां हुआ है ये समझाता हूं। अगर आपको याद हो तो ये 25 और 37% जो हुआ करता था, इसे हम कहते थे एनहांस्ड सरचार्ज। क्या कहते थे बोलो जल्दी से? एनहांस्ड सरचार्ज कहते थे। इनको नाम यूज किया जाता था एनहांस्ड सरचार्ज। तो 2019 में जब ये एनहांस्ड सरचार्ज लाए गए थे, इसके बाद अमेंडमेंट हुआ था दैट दीज एनहांस्ड सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल टू, दीज एनहांस्ड सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल टू, कौन कौन से इनकम पे एप्लीकेबल नहीं थे याद करके बताओ। दीज वेर नॉट एप्लीकेबल टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, दीज वेर नॉट एप्लीकेबल टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, दीज वेर नॉट एप्लीकेबल टू डिविडेंड इनकम। याद आ रहा है? यानी इन तीन के ऊपर द मैक्सिमम सरचार्ज रेट वॉज 15%। याद आ रहा है? इनके ऊपर एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं था, पर इनके ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल था। मतलब ये तीन जो इनकम होती थी, डिविडेंड इनकम 111A एंड 112A, इन तीन के ऊपर मैक्सिमम सरचार्ज रेट वॉज 15%। द 25% एंड 37% क्राइटेरियाज वेर नॉट एप्लीकेबल टू दिस इनकम। यस, इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं था। अब इसमें अमेंडमेंट क्या हुआ है? इसमें अमेंडमेंट हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 भी इंक्लूड कर दिया। नाउ विथ इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 23-24, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A एंड डिविडेंड इनकम आर नॉट एप्लीकेबल टू एनहांस सरचार्ज। द मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज इज 15%। समझ में आया अमेंडमेंट क्या हुआ है? सो अमेंडमेंट ये हुआ है कि इस लिस्ट में पहले 112 इंक्लूडेड नहीं था, फाइनेंस एक्ट 2022 से ये भी क्या कर दिया गया है, इंक्लूड कर दिया गया है। समझ में आया अमेंडमेंट क्या हुआ है? यस, अच्छा जी, सो लॉन्ग टर्म कैपिटल पे भी अब एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम पे एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है? अगर मैं सीधे शब्दों में बोलना चाहूं, सी मोटे मोटे तौर पे कैपिटल गेन में ये तीन तरह के ही इनकम जनरेट होते हैं, तो मैं अब इसको ऐसा भी बोलूं कि कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम, कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम, इन पे एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है। सीधी सी बात, यस, बाकी सारी इनकम के ऊपर एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल है। तो अब यहां पे चेंज क्या आया है जरा समझिएगा। ये जो हम एक्सक्लूड किया करते थे, पेज नंबर 3 पे आप देख सकते हैं, ये जो हम एक्सक्लूड किया करते थे, पहले सिर्फ तीन चीजें एक्सक्लूड होती थी, डिविडेंड, 111A एंड 112A। इस बार फाइनेंस एक्ट ने 112 को भी इंक्लूड कर दिया गया है। समझ में आया? ये पहला अमेंडमेंट है चैप्टर 1 बेसिक्स के अंदर का, राइट? ओके, तो चलिए अब इसको रीड करते हैं। बताइए, अगर आपकी इनकम इंक्लूडिंग दिस इनकम, अगर आपकी इनकम इंक्लूडिंग दिस इनकम इज एक्सीडिंग 50 लाख, तो बताइए क्या सरचार्ज एप्लीकेबल है? यस, व्हाट विल बी द रेट ऑफ सरचार्ज? 10% अक्रॉस एनी इनकम। सी, गेम कब एप्लीकेबल नहीं है? एनहांस सरचार्ज पे एप्लीकेबल नहीं है, सरचार्ज पे तो एप्लीकेबल है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, इफ माई टोटल इनकम इंक्लूडिंग दिस इनकम डज नॉट एक्सीड 50 लाख, द सरचार्ज रेट विल बी निल। चार्ट देखिएगा, चार्ट अच्छे से देखिएगा, अगर आपके पास डीटी चार्ट भी है तो उसके अंदर में सेम चीजें ध्यान से सुनना, राइट? अगर आपकी इनकम एक्सीड करती है 50 लाख टू 1 करोड़, तो 10% सरचार्ज रहेगा, इवन इफ योर टोटल इनकम इंक्लूड दिस इनकम। अब सोचिए, इन इनकम को इंक्लूड करके आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर, सॉरी 1 करोड़ से 2 करोड़ के ब्रैकेट में है, द सरचार्ज रेट वुड बी 15%। एनहांस सरचार्ज का गेम है, दोनों केस में 15%। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अगर आपकी इनकम एक्सक्लूडिंग दिस फोर इनकम, अगर आपकी इनकम एक्सक्लूडिंग दिस फोर इनकम एक्सीड 2 करोड़, अदर इनकम के ऊपर 37, इन चार इनकम के ऊपर 15%। समझ में आ गया अमेंडमेंट? 25% एंड 37, 15% एंड 25%, अगर टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग दिस इनकम एक्सीड 2 करोड़, 5 करोड़ ब्रैकेट। क्लियर है? बताइए, अगर मेरी अदर इनकम एक्सक्लूडिंग दिस फोर इनकम
एक्सक्लूडिंग दिस फोर इनकम, अदर मेरी बची हुई इनकम एक्सीड 5 करोड़, अदर इनकम पे सरचार्ज 37, इन चार इनकम पे सरचार्ज 15%. सो टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग दिस इनकम एक्सीड 5 करोड़, अदर्स पे 37, इन पे 15. समझ में आ रही है बात? हाँ या ना? यहां पे लिखिए एग्जांपल नंबर 3. चलिए इन कंटेंट पे भी हम एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल नंबर थ्री एनहांस सरचार्ज एंड अमेंडमेंट. हेडिंग देते जाओ ताकि जो आप सॉल्व कर रहे हो आपको क्लियर कट बाद में पता रहे, और नोट्स में इस तरीके से आप लिखते जाओ, जहां जहां मैं एग्जांपल मेंशन कर रहा हूं वहां वहां पे भी मेंशन करते जाओ, ताकि आप जब सेल्फ स्टडी भी करो आपको सब याद आए. चलो जी, आपका पीजीबीपी हम कर देते हैं 3 करोड़, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 कर देते हैं 60 लाख, आपका डिविडेंड इनकम कर देते हैं हम लोग 20 लाख, टोटल 3.80 करोड़ आपका टोटल इनकम. ठीक है, एक क्वेश्चन साथ में करेंगे, इतना जबरदस्त क्वेश्चन है कि इसके अंदर में आपका एक बहुत जबरदस्त टैक्स प्लानिंग कॉन्सेप्ट भी छुपा है, तो मार्क दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. इसमें टैक्स प्लानिंग कॉन्सेप्ट भी मैं साथ साथ में कर रहा हूं. ठीक है, टैक्स प्लानिंग मेरे साथ रेडी रहिए समझने के लिए. आपको ऑलरेडी टॉपिक है टैक्स प्लानिंग, पर वो टैक्स प्लानिंग टॉपिक सिर्फ थ्योरी में नहीं है. मेनी स्टूडेंट हैव जस्ट लर्न द कॉन्सेप्ट टैक्स प्लानिंग एज अ थ्योरी, नहीं, वो आपको यहां एप्लीकेबल करना होता है. चलिए आइए मेरे साथ समझते हैं. अब इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मेट किस तरीके का यूज करेंगे मैं आपको समझाता हूं. आप कुछ ऐसे फॉर्मेट यूज कीजिए जब आपके 2 करोड़ के ऊपर की लिमिट चल जाए. ये फॉर्मेट तभी यूज करेंगे आप जब आपकी इनकम 2 करोड़ के ऊपर चल जाए. द होल गेम इज ऑफ यूजिंग ऑफ फॉर्मेट, क्योंकि एग्जाम में फाइनल में होता क्या पता है क्या, नॉलेज हमको सब है, प्रेजेंट कैसे करना हो मालूम ही नहीं है. एंड दैट्स व्हाई वी यू नो हम ब्लैंक हो जाते हैं आधे घंटे पेपर देख करके कि ये है क्या, क्योंकि क्वेश्चन पेपर ही 32 पेजेस के आते हैं, क्वेश्चन पेपर ही इतने बड़े रहते, हम खुद ब्लैंक हो जाते फाइनल लेवल पे. तो चलो ध्यान से सुनिए. सबसे पहले लिखिए इनकम, इनकम के बाद लिखिए टैक्स, टैक्स के बाद लिखिए सरचार्ज, सरचार्ज के बाद लिखिए टोटल, टोटल के बाद लिखिए एचईसी, और उसके बाद लिखिए एक फाइनल टोटल. इन शॉर्ट मैंने वर्टिकल फॉर्मेट की जगह हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट डाल दिया, कुछ नया नहीं कर रहा हूं मैं. ठीक है, आ जा मेरे बच्चे. सबसे पहला इनकम पीजीबीपी, दूसरा इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दूसरा इनकम मैं पहले डिविडेंड लिख देता हूं फॉर सम रीजन, और तीसरा मैं लिख देता हूं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112. 112 में मतलब अमेंडमेंट भी कवर हो गया. ठीक है, नाउ यू टेल मी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स कितना रहेगा. 60 लाख इंटू 20%, डज दिस कम्स टू 12 लाख, हाँ या ना? तो ये आ गया 12 लाख, दैट इज 60 लाख इंटू 20%. धीरे धीरे चलिए, कोई जल्दी नहीं है. दूसरा है पीजीबीपी एंड डिविडेंड. डोंट यू थिंक सो पीजीबीपी एंड डिविडेंड आर टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट? मेरे को पहले हाँ या ना का जवाब चाहिए. आर डिविडेंड एंड पीजीबीपी टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट? बट सरचार्ज रेट आर सेम और सरचार्ज रेट आर डिफरेंट. आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या आगे करने वाला हूं और क्यों हमने अलग किया? प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों इनकम जो है डिविडेंड एंड पीजीबीपी, दीज आर टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट. हाउएवर द सरचार्ज रेट इज डिफरेंट, हाउएवर द सरचार्ज रेट इज डिफरेंट, और इसमें डिफरेंस आएगा. पूछो कैसे, पूछो कैसे? सर वो ऐसे आएगा कि पहला सवाल उठता है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट किसमें से एब्सॉर्ब करोगे. सी, अगर इनकम 10 लाख रुपीज के ऊपर है तो टैक्स रेट इज 30%, हाँ या हाँ? बराबर है. अब ये जो 10 लाख आप माइनस करने वाले हो, ये पीजीबीपी में से माइनस करोगे या डिविडेंड में से माइनस करोगे, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा. एंड एग्जामिनर आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा है. एग्जामिनर एक फाइनल लेवल वाले स्टूडेंट को ये नहीं बताता टैक्स कैलकुलेशन देते वक्त कि वो तो इसे टैक्स प्लानिंग भी एक्सपेक्ट कर रहा है. वो रादर चेक करता कि भैया आज अगर मैंने इसको बना दिया सीएसीए में बना दिया, कल चल के देश को बेचना है. इसको खुद को पहले पता हो कि क्या करना चाहिए, भले ही सामने वाले ने क्लाइंट ने बोला या नहीं, इसको खुद को तो पता होना चाहिए क्या करना है. अब आप बताओ मैं पीजीबीपी से एडजस्ट करूं और डिविडेंड से एडजस्ट करूं तो क्या डिफरेंस आएगा. चलिए बात नहीं करते, दोनों तरीके से सॉल्व करके देख लेते हैं.
हमारे पास जवाब खुद मिल जाएगा, तो अगली बार से क्लाइंट को टैक्स प्लानिंग क्या देना है ये खुद समझ में आ जाएगा। एक ही क्वेश्चन करो पर बेहतर करो, बात समझो। अब सपोज पीजीबीपी है 3 करोड़ रुपीज, क्या मेरे बच्चे को पता है 3 करोड़ पे टैक्स कैसे निकालते? निकाल सकते हो, चलो दम लगाओ। 3 करोड़ में से 10 लाख तक का टैक्स मेरे बच्चे को पता है, 1,12,500, से यस, ठीक है। बच्चा 2.90 करोड़, 2.90 करोड़ पे कितना परसेंट बेटा? 30%। इज इट 87 लाख? टोटल कर लेता हूं मैं 88,12,500। अग्रीड? लो मैंने यहां डाल दिया 88,12,500, कंफर्म है मेरा बच्चा। अब मुझे एक और बात बताइए, डिविडेंड के ऊपर क्या मैं फिर से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट माइनस करूं या डायरेक्ट 30% अप्लाई करूं? डायरेक्ट 30%, बिकॉज एनी इनकम बियॉन्ड 10 लाख रुपीज इज डायरेक्टली टैक्सेबल एट 30%। सो कैन आई से 20 लाख इंटू 30% दैट कम्स टू 6 लाख? एवरीबडी, मैंने यहां पे 20 लाख को डायरेक्टली 30% से अप्लाई कर दिया। क्यों? बिकॉज एनी इनकम बियॉन्ड 10 लाख इज डायरेक्टली टैक्सेबल एट 30%। नाउ यू टेल मी, सरचार्ज रेट क्या मेरी अदर इनकम 2 करोड़ के ऊपर जा रही है? क्या मेरी अदर इनकम 2 करोड़ के ऊपर जा रही है? हाँ या हाँ? अगर मेरी अदर इनकम 2 करोड़ के ऊपर जा रही है, आपको नहीं लगता सरचार्ज रेट 25%? हाउएवर यहां पे 15% एंड 15%। एवरीबॉडी समझ में आया? अब समझ में आया मैंने अलग अलग क्यों करवाया? क्योंकि एग्जामिनर आपसे यही प्रेजेंटेशन एक्सपेक्ट कर रहा है, वो यही आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसको बताओ। चलो, इज इट 90,000 बेटा? ये हो गया 6,90,000, इधर 12 लाख का 15% आया 1,80,000, टोटल आया यहां पे 13,80,000। यहां आया 2,203,125। चेक कर लीजिए एक बार पूरा। यस बेटा, दस दिस कम्स टू 1,10,15,625। हाँ या हाँ तो बोल दो। चलो जी, अब मैं इन सब का टोटल कर लू, 1,30,85,625 आ रहा है क्या? चेक करना। अब मुझे बताओ तीनों इनकम पे इंडिविजुअली एचईसी 4% में निकाल सकता हूं या सीधा इस पे 4% में निकालू? तो मेरा बात तो एक ही है, 523,425। फाइनल आंसर इज 1,36,09,050 रुपीज। डू यू अग्री? नाउ ये अगर मैंने एडजस्ट किया पीजीबीपी में से तो मेरा आंसर ये आता है। चलिए इसी क्वेश्चन को एक बार डिविडेंड से करके देख लें तो क्या इंपैक्ट आता है वो भी समझ जाए, तो हमारा टैक्स प्लानिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए जरा। ठीक है, वापस से सेम क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। पीजीबीपी, डिविडेंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए टैक्स आएगा 12 लाख रुपीज। सरचार्ज आएगा 1,80,000 रुपीज। टोटल आएगा 13,80,000 रुपीज। दिस विल रिमेन सेम। यस बेटा, अब मुझे बताओ मेरा डिविडेंड इनकम कितना था? 20 लाख। 20 लाख पे टैक्स निकालो। चलो कैलकुलेटर लो फटाक से। 20 लाख में से पहले 10 लाख तक का टैक्स पता है, बचे हुए पे 30% प्लस 1,12,500। इज इट 4,12,500? चेक कर लीजिए कैसे निकाला, फिर से बताता हूं।
हर बच्चा ध्यान से सुने, पूरे भारतवर्ष का बच्चा ध्यान से सुने, 20 लाख रुपीज मेरी टोटल इनकम हुई, इसमें से 10 लाख तक के आया 1,12,500। कल का वीडियो देख लीजिए, अगर आज पहले दिन ज्वाइन किया है आपने तो बचे हुए 10 लाख पे 30% या 3 लाख टोटल बना 4,12,500। अब मुझे बताइए बचता है पीजीबीपी। अब पूरा पीजीबीपी 30% से टैक्स हो जाएगा, बियॉन्ड 10 लाख वाली जितनी भी इनकम है 30% से जाएगी। पीजीबीपी कितना था मेरा बेटा? 3 करोड़। 3 करोड़ का 30% इज इट 90 लाख। अब मुझे बता ए लाला, लाला मेरे लाला सुन, जिसका टैक्स ज्यादा होगा, पिछले बार टैक्स कितना आया था 88 लाख, इस बार टैक्स कितना आ रहा है 90 लाख। जिसका टैक्स ज्यादा होगा आपको नहीं लगता उसका सरचार्ज भी ज्यादा होगा? जिसका टैक्स ज्यादा होगा उसका सरचार्ज भी ज्यादा होगा, और जिसका सरचार्ज ज्यादा होगा उसका अल्टीमेट टैक्स भी ज्यादा होगा। तो अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, तो डोंट यू थिंक एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा, कि आप ये एडजस्टमेंट उसके बोले बिना कर दे एट यू इफ यू आर इन फाइनल लेवल्स, सी यस और नो? चलो सरचार्ज लगाओ, सॉल्व कर ही रहे हो तो पूरा करो। 25% सरचार्ज 22,50,000, 1,31,04,375 टोटल टैक्स इंटू 4% 524,175। योर फाइनल कम टू 1,362,8,550। आर यू गेटिंग द सेम आंसर? यू टेल मी, इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू? अगर मैं मेरे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को पीजीबीपी से एडजस्ट करता हूं आई गेट लेस टैक्स, वेयर इफ आई एडजस्टेड थ्रू डिविडेंड आई गेट मोर टैक्स। व्हाई दिस इज सो? बिकॉज पीजीबीपी के जो सरचार्ज रेट है वो ज्यादा है एंड डिविडेंड इनकम का जो सरचार्ज रेट है वो कम है, एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ डिफरेंस। समझ में आई बात? नीचे लिखो माइनोट, माइनोट। अब ये माइनोट क्या है? देखिए मैं पढ़ाते वक्त ना माइनोट लिखाता हूं, माइनोट के अंदर में ना हम लोग हमारी लैंग्वेज में लिखते हैं, एसएमएस लैंग्वेज जिसमें हम अपने आप को समझा रहे हैं, इंग्लिश प्रॉपर। ये सिर्फ हमारे लिए होती है, एग्जाम में ये देने का नहीं, ये सिर्फ हमारे लिए होती है। ऊपर वाले प्रॉब्लम में लिखिए, ऊपर वाले प्रॉब्लम में हमारे पास ऑप्शन था, हम एसएमएस ही लिख रहे हैं, बस अपने आप को लिख रहे हैं। ऊपर वाले प्रॉब्लम में हमारे पास ऑप्शन था टू एडजस्ट बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, अगेंस्ट पीजीबीपी एंड डिविडेंड इनकम, अगेंस्ट पीजीबीपी और डिविडेंड इनकम। फ्रॉम द अबाव सॉल्यूशन वी कैन कंक्लूड हमें हमेशा इसे पीजीबीपी से एडजस्ट करना चाहिए, ब्रैकेट में, या अदर हायर टैक्सेबल इनकम से,
so that our overall tax liability is less. So that our overall tax liability is less. डन मालिक पक्का बढ़ते हैं आगे. क्या सीखने को मिला? कॉन्सेप्ट प्लस टैक्स प्लानिंग. एक ही क्वेश्चन काफी है आपके दोनों कॉन्सेप्ट्स को कवर करने के लिए. यस, अब इसमें सिर्फ आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा सॉल्व कर सकते हो विद डिफरेंट फिगर्स. इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते. यस, चलिए अब मेरे को एक और बात बताइए. अंडरस्टैंड करें कुछ इस तरीके से. सपोज कर ले मेरा पीजीबीपी इनकम है 1.10 करोड़. सपोज कर लीजिए, सब लोग ध्यान से सुनिएगा. 1.1 करोड़ मेरा पीजीबीपी इनकम है. मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 है 90 लाख रुपीस, वेयर एज मेरा डिविडेंड इनकम है 90 लाख रुपीस. बराबर, या इसको 80 लाख कर देता हूं मैं. अब मेरा टोटल बनता है 2.80 करोड़. ठीक है, कैन यू प्लीज टेल मी मेरा सरचार्ज रेट क्या होगा? अगर मेरी टोटल इनकम 2 करोड़ के ऊपर जाती है, मेरा सरचार्ज रेट क्या है? 25%. अब बताइए यहां पे इंडिविजुअली, यहां बताइए, यहां सरचार्ज रेट कितना रहेगा? 15%. एब्सोल्युटली करेक्ट. यहां सरचार्ज रेट कितना रहेगा जल्दी से जितने लोग ऑनलाइन है कमेंट करो. यहां कितना रहेगा? 15%. यहां कितना रहेगा? क्या हुआ बेटा, अटक गए? अब देखिए दिल कहां अटका है. दिल कॉन्सेप्ट में अटक गया. कैसे कॉन्सेप्ट में अटक गया? टोटल इनकम तो 2 करोड़ के ऊपर है पर मेरी अदर इनकम 2 करोड़ के ऊपर नहीं है. फिर सरचार्ज रेट क्या होना चाहिए? Yes, तो एक संवाद सुनिए एओ और एसएससी के बीच का, और फिर डिसाइड कीजिए क्या करना है एज अ रैशनल टैक्स पेयर. तो इतने में एओ आई, एओ आकर के बोलती है हाँ चलिए लाइए, वो दो जो नीचे वाली है ना उनके ऊपर तो 15% होगा और ऊपर वाले पे मैं 25 लूंगी. टैक्स पेयर पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया इतना. अरे मैडम आप बात समझिए, ये जो इनकम है ना ये नीचे वाली ये स्पेशल है, रोज रोज नहीं आती. ये कौन सी इनकम थी स्पेशल? ये रोज रोज आती नहीं, ये आज आई है. लेकिन इसके चक्कर में आप मेरे 15 के 25 क्यों कर रहे हो? अगर ये इनकम ना होती तब तो आप मेरे को 15% लगाते. अब जस्ट बिकॉज ये इनकम आ गई इसके चक्कर में आप तो मेरे 15 के 25 कर रहे हो. देखिए वो सब मैं नहीं जानती. टोटल इनकम एक्सीड 2 करोड़, मैं तो 25 लूंगी. किसी की बहन मेरी बात सुन, तू समझ नहीं रही है बेटे, ये दो इनकम रोज रोज नहीं आती. पर इस चक्कर में मेरे साथ, आई एम अ टैक्स मैन, मेरे साथ ये अनड्यू जस्टिस क्यों भाई? आई एम अ टैक्स मैन, मेरे साथ अनड्यू जस्टिस क्यों? ये रोज रोज नहीं आती पर इस चक्कर में अगर तुमने मेरे पे 25% लगा दिया मेरे साथ तो ये अनड्यू अनजस्ट एडजस्टमेंट हो जाएगा. मेरे को टैक्स पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ये कभी कभी आने वाले मेहमानों से मैं अच्छे से बिहेव करूं ये आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते? ये आकर के मेरे को बोलते हैं कितने अटेम्प्ट हो गए इनको पूछो. ये आकर के मेरे को बोलते कौन से कॉलेज से सीए कर रहा है इनको पूछो. आप मुझे बताइए असेसी सही या डिपार्टमेंट सही, क्या लग रहा है आपको? देखिए एज अ असेसी मैं 15% पे करने के लिए रेडी हूं, आई हैव नो इशू. पर आप मेरे को 25 बोलोगे ये तो अनजस्ट है ना, और वो भी ऐसी इनकम के लिए जो रोज रोज नहीं आती. इमेजिन योर क्लाइंट्स, आपने कितने ऑफिसर्स में काम किया है सोच करके बताइए जहां सच में कैपिटल गेन कंप्यूटेशन आता है. हार्डली 100 फाइल में एक, याद आ रहा है, हार्डली 100 फाइल में एक. इस चक्कर में तुम सोच के देखो ना, एक आम आदमी के फाइल्स में ये सब नहीं होता. डिविडेंड इनकम कितनी? 20 लाख. इतना तो उसका इन्वेस्टमेंट नहीं होता भाई, होता भी है तो बताता नहीं, हाथ जोड़ने पड़ते भाई स्टेटमेंट दे दे. फिर क्या, पिछले साल का उठाओ 15% ऐड करो और फाइनल करो. आधे से ज्यादा जिंदगी तो यही किया है ना हमने, पिछले साल का उठाओ 15% एडिशन ठोक. नाउ लॉ भी कुछ इस तरह से बनाया गया. लॉ में भी समझ गया आ गया कि जहां तुम्हारी नॉर्मल प्लस स्पेशल मिला के 2 करोड़ के ऊपर जा रही है
नॉर्मल प्लस स्पेशल मिला के 2 करोड़ के ऊपर जा रही है. इफ योर टोटल इनकम इंक्लूडिंग दीज इनकम एक्सीड 2 करोड़ एंड इज नॉट कवर्ड बाय सिचुएशन नंबर 4 एंड सिचुएशन नंबर 5. सिचुएशन नंबर 4 जहां आपकी अदर इनकम 2 करोड़ के ऊपर जा रही है, सिचुएशन नंबर 5 जहां आपकी अदर इनकम 5 करोड़ के ऊपर आ रही है. द मैक्सिमम सरचार्ज रेट इज 15% एंड 15%. गेटिंग माई पॉइंट? यस. ऐसे कैसे गेटिंग? लिखो एग्जाम्पल नंबर 4. बहुत गेटिंग गेटिंग कर रहे हो तुम लोग. चलो आए हो तो करो सॉल्व फटाफट. फिगर है आपके पास. योर टाइम स्टार्ट नाउ. 2 मिनट है. 2 मिनट में फॉर्मेट भी तुमको पता है, सब तुमको पता है. इसके आगे सीधा कॉलम बनाओ टैक्स का. हाँ जी, 1 मिनट ओवर वीडियो. अगले 1 मिनट नहीं तो इस नवंबर की जगह वो नवंबर आ जाएगा. नहीं, तुमने 2 मिनट में नहीं किया तो मई जाके नवंबर आ जाएगा, ऐसा था वो. हाँ, भीड़ भीड़ भीड़. अब समझ आ रहा है प्रैक्टिस की कीमत? प्रैक्टिस जरूरी है मेरे भाई, प्रैक्टिस जरूरी है. आई एम श्योर आप डायरेक्टली पीजीबीपी से एडजस्ट करेंगे. डज दिस कम्स टू 31,12,500 इन द फर्स्ट केस? 80 लैक्स इंटू 30% 24 लैक्स. हियर 90 लैक इंटू 20% दैट कम्स टू 18 लैक्स. अक्रॉस ऑल काइंड ऑफ इनकम सरचार्ज विल बी 15%. तो इसी का टोटल करके सीधा एक साथ निकालू तो भी चलेगा. ये टोटल आ रहा था 7,312,500. इसका 15% 1,096,875. 8,409,375. इस पे 4% 3,63,375. एंड योर फाइनल आंसर वुड कम टू 87,45,750. डू यू अग्री? समझ में आया? इसी के नीचे लिखो माई नोट. जहां नॉर्मल प्लस कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम जहां नॉर्मल प्लस
प्लस कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम एक्सीड्स 2 करोड़, एक्सीड्स 2 करोड़, द मैक्सिमम सरचार्ज रेट वुड बी 15%, द मैक्सिमम सरचार्ज रेट वुड बी 15%। अमेंडमेंट समझ में आया? प्रॉब्लम समझ में आया? यस। अच्छा जी, पिछले बार तक के क्या होता था, 112 अगर रहता था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 रहता था, तो इनके ऊपर भी हम लोग क्या करते थे, एनहांस सरचार्ज लगाते थे इन ऑल द प्रॉब्लम्स। यस। और अब अमेंडमेंट आने के बाद इनमें से एनहांस सरचार्ज हट जाएगा और इन पे मैक्सिमम सरचार्ज 15% रहेगा। समझ में आ रही है बात? चलिए जी, सो सरचार्ज वाला कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया? यस। चलो आओ, वहां पे तो आप ऑलरेडी वैसे ही एनहांस सरचार्ज पे आ जाते ना, फिर कहां इशू आया है? हाँ सर, सपोज योर पीजीबीपी इज, समझना, योर पीजीबीपी इनकम इज 2 लाख, योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 इज 2 लाख, कैन यू प्लीज कंप्यूट टैक्स? एक और कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहा हूं आगे, 2 लाख मैं सरचार्ज से बाहर निकल गया, एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर कदम रख रहा हूं, पर कॉन्सेप्ट से पहले प्रॉब्लम दे रहा हूं। सपोज योर पीजीबीपी इज 2 लाख एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 2 लाख, यू प्लीज टेल मी व्हाट इज योर टैक्स लाइबिलिटी? मैं सिर्फ टैक्स पूछ रहा हूं, एक्सक्लूडिंग सरचार्ज एंड रिबेट इफ एनी, मैं सिर्फ टैक्स पूछ रहा हूं। 7500, ओके 7800 आफ्टर एचईसी, यस डन। कैसे निकाला? कुछ लोग तो यहां बैठे हैं, 2 लाख × 20% ये 40,000 है, बचे हुए पीजीबीपी में तो आएगा ही नहीं, है ना? अंडरस्टैंड, आपको एक और एडजस्टमेंट समझाता हूं। इस एडजस्टमेंट्स को हम कहते हैं स्पेशल एडजस्टमेंट्स। ये स्पेशल एडजस्टमेंट 3 जगह लिखी है, 112, 112 ए एंड 111 ए, तीनों सेक्शन में लिखी है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इस प्रॉब्लम में असेसी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अब्सॉर्ब कर पाया है, हाँ या ना? नहीं। असेसी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अब्सॉर्ब कर पाया है? नहीं। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इज 2,50,000। इज असेसी हैज अब्सॉर्ब द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट? नो। असेसी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अब्सॉर्ब नहीं कर पाया और उसके पास स्पेशल इनकम है, सेक्शन 111 ए, 112 ए एंड 112 कहता है, इफ असेसी कैनॉट अब्सॉर्ब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड हैज स्पेशल इनकम, such special income shall be first used towards basic exemption limit and balance if any will be chargeable at special rate, जिसका मतलब normal PGBP income कितना निकला? 2 लाख। क्या यह basic exemption limit absorb कर पाया है? नहीं। तो हम long term capital gain का 50,000 तक का amount use कर सकते हैं इस particular problem में, टोटल बन जाएगा 2,50,000, जिस पे टैक्स क्या आ जाएगा बेटा? निल। जो बैलेंस बचा, बैलेंस कितना बचा बेटा? 1,50,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इस पे कितना परसेंट लगा दो बेटा? 20%। सो 1,50,000 × 20% दैट कम्स टू ₹30,000। दोनों एक्सेल शीट मर्ज कर दो, टोटल टैक्स 30,000। समझ में आया? इसे हम कहते हैं स्पेशल एडजस्टमेंट। इस पे लिखिए एग्जांपल नंबर 5, स्पेशल एडजस्टमेंट्स। एग्जांपल नंबर 5, स्पेशल एडजस्टमेंट। डन है जी?
एक मिनट, मेरा क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन यहां से एक और स्टार्ट होता है, क्या रिबेट मिलेगा? मिलेगा, हाँ या ना? हाँ या ना? ना, नहीं, नहीं, रिबेट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा, दो जन बोल रहे मिलेगा, पांच जन बोल रहे नहीं मिलेगा, हाँ, नहीं मिलेगा, मिलेगा, नहीं, मिलेगा, एंड आंसर इज, चलिए रिबेट फिर से पढ़ते हैं, चलो चलो चलो, जहां आई डाउट लेट सॉर्ट आउट, असेसी कौन होना? इंडिविजुअल, ही शुड बी रेसिडेंट, प्रॉब्लम में लिखा नहीं है, ये दो कॉमन अजम्पशन है, मैंने कल ही बोला था, टोटल इनकम, क्या बोला बेटा? टोटल इनकम, चलो कल मैंने आपको टोटल इनकम सिखाया था, टोटल इनकम मतलब इनकम ऑफ ऑल फाइव हेड्स प्लस क्लबिंग माइनस सेट ऑफ, तब बनेगा ग्रॉस टोटल इनकम, फाइव हेड्स मतलब कौन कौन से? सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन। दूसरी बात, रिबेट सिर्फ 112 ए वाले टैक्स से नहीं मिलता। अब मैं आपसे वापस वही सवाल पूछता हूं, इधर आइए क्वेश्चन में, क्या रिबेट मिलेगा? समझ में आया क्या गलती कर रहे थे? पहली गलती आपने ये करी कि आप टोटल इनकम का कॉन्सेप्ट भूल गए, कि टोटल इनकम में कैपिटल गेन भी आता है। दूसरी गलती आपने ये करी कि आप 112 और 112 ए को एक ही समझ रहे हैं। यस, 112 ए शेयर्स एंड सिक्योरिटीज पे आता है, जबकि 112 शेयर्स एंड सिक्योरिटी और अदर एसेट्स दोनों पे आता है। सो रिबेट मिलेगा। अच्छा, कई लोगों ने तो ये भी सोचा होगा, जब इनकम ही 4 लाख है तो फिर टैक्स क्या आने वाला है? नील, ऐसी क्यूट बातें बिल्कुल नहीं करते, है ना? सोचो, अभी नए नए कौले कौले आर्टिकल आएंगे, क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? HEC एट द रेट ऑफ 4%, इज इट 700 रुपीज? फाइनल टैक्सेस 18,200। तो कंसेप्ट में क्या कवर था? स्पेशल एडजस्टमेंट प्लस रिबेट। आया मजा? लिखो माय नोट, जहां जहां गलती कर रहे हो खुद को मैसेज दो, लिखो माय नोट, रिबेट मिलता है अगर टोटल इनकम 5 लाख से कम है, रिबेट मिलता है अगर टोटल इनकम 5 लाख से कम है, दूसरा नोट, 112 में से रिबेट मिलता है, 112 वे में से नहीं मिलता। हंड्रेड एंड ट्वेल्व में से रिबेट मिलता है, 112 में से नहीं मिलता। लॉजिक समझ में आया सभी को? आइए ये स्पेशल एडजस्टमेंट्स भी पढ़ लेते हैं, कहीं दिया है, ये स्पेशल एडजस्टमेंट भी पढ़ लेते हैं, पेज नंबर 4 पे दिया है, प्लीज चेक। इफ असेसी इज रेसिडेंट, ये जो एडजस्टमेंट आपने किया ये सिर्फ रेसिडेंट के लिए पॉसिबल है, नॉन रेसिडेंट को ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। यस, इफ असेसी इज रेसिडेंट एंड हैज स्पेशल इनकम कैपिटल गेन अंडर 112 ए और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111 ए, नॉट कैजुअल इनकम, कोई मुझे प्लीज बता सकता है व्हाई नॉट कैजुअल इनकम? कैजुअल इनकम एक ऐसी इनकम है जिसके अगेंस्ट में कोई एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है, एंड दैट इज व्हाई कैजुअल इनकम भले ही स्पेशल रेट पे टैक्स होता होगा पर वो एडजस्ट हो सकता नहीं। सो टेक्निकली ओनली 3 इनकम कुड बी एडजस्टेड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111 ए, ये 3 ही एडजस्टमेंट पॉसिबल है। सो इफ असेसी हु इज रेसिडेंट, हु इज रेसिडेंट एंड हैज स्पेशल इनकम एंड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इज नॉट एग्जॉस्टेड, देन स्पेशल इनकम शैल बी फर्स्ट यूज्ड टू कवर अप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड बैलेंस इफ एनी शैल बी चार्जेबल एट स्पेशल रेट। यहां लिखिए एग्जाम्पल नंबर 5, ये बन गए आपके क्रॉस नोट्स।
Yes. बहुत हार्ड. तो टैक्स कंप्यूट करते वक्त आपने सबसे पहले स्लैब रेट पढ़े, एचईसी पढ़ा, रिबेट पढ़ा, सरचार्ज पढ़ा, स्पेशल एडजस्टमेंट्स पढ़े. पांच चीजें अब तक आपने टैक्स कंप्यूटेशंस के अंदर में पढ़ी है. छठवीं स्पेशल रेट ऑफ टैक्स पढ़ा. समझ में आ रही बात? छह एडजस्टमेंट्स आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिए. चलो जी, अब सिंस अमेंडमेंट आया, 112 का अमेंडमेंट आया, मॉड्यूल ने ना सरचार्ज से रिलेटेड आपको अमेंडमेंट्स दिए थे. मॉड्यूल ने सरचार्ज से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए थे. सेम क्वेश्चंस मैंने भी उठा करके मेरे बुक में रखा है, जिसको ओरली सॉल्व किया जा सकता है. ये क्वेश्चंस में सिर्फ आपको सरचार्ज रेट पूछे गए हैं, तो प्लीज एक कैलकुलेटर लीजिए, हम फटाफट सॉल्व करेंगे. सपोज कर लेते हैं आपकी टोटल इनकम पे फोकस करना. ठीक है, आपकी टोटल इनकम पे फोकस करना. पहला क्वेश्चन, आपकी टोटल इनकम में अदर इनकम 25 लाख, कैलकुलेटर पे लेना 25 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20, 112 का 15, 111 का 20 एंड डिविडेंड 10. टोटल इनकम कितनी हो रही है? 90 लाख. बताइए क्या आपकी इनकम 50 लाख टू 1 करोड़ के ब्रैकेट में है? ऑल काइंड ऑफ इनकम पे सरचार्ज रेट वुड बी 10%. लॉजिक क्लियर है? उन्होंने कंप्यूटेशन नहीं किया, सिर्फ सरचार्ज पे चेकिंग की आपको. तो इंस्टीट्यूट ने भी ये नया डाला है, एज इट इज मैंने भी मॉड्यूल से अपने नोट्स के अंदर में डाल दिए. दूसरा सवाल चेक कीजिए, डिविडेंड 10, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 40, लॉन्ग टर्म 55 प्लस 35 एंड अदर इनकम 50. टोटल इनकम जा रही है 1 करोड़ 90 लाख. क्या हम 1 करोड़ टू 2 करोड़ के ब्रैकेट में है? एनी काइंड ऑफ इनकम सरचार्ज रेट वुड बी. क्लियर है? थर्ड, मेरी अदर इनकम 3 करोड़ है. सोच के बोलो, अदर इनकम 3 करोड़ है, अदर इनकम पे सरचार्ज और बचे हुए इनकम पे 15% ऑन डिविडेंड, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 25% ऑन 3 करोड़. क्लियर है? इधर आओ, मेरी अदर इनकम 6 करोड़ है, अदर इनकम पे सरचार्ज 37%, बचे हुए इनकम के ऊपर 15%. मेरी अदर इनकम 1.10 करोड़ है और बची हुई सारी अदर इनकम मिला के हम 3.22 करोड़ पे जा रहे हैं. ऑल इनकम विल बी सरचार्ज एट द रेट ऑफ 15%. खत्म. देखिए आपके नोट्स में, वी हैव डन विद पेज नंबर 1, वी हैव डन विद पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 एंड पेज नंबर 4. चलिए आइए, अगर कोई, अब जितने भी नोट्स हमने पढ़े ये कॉमन, अगर कोई एसएससी इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, 60 और अबव है. कितना बेटा? 60 और अबव. स्लैब रेट इज अप टू फर्स्ट 3 लाख नील. सीनियर सिटीजन के लिए बेसिक स्लैब लिमिट 2,50,000 की जगह कितनी रखी गई है? 3 लाख. 3 लाख टू 5 लाख कितना परसेंट बेटा? 5%. 5 लाख टू 10 लाख कितना परसेंट बेटा? 20%. एंड अबव 10 लाख कितना परसेंट बेटा? 30%. शॉर्टकट इज 1,10,000. यस, दैट इज द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट डिफरेंस. यही अगर एसएससी इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, 80 और अबव, इस ब्रैकेट में आने के लिए आपका जिंदा होना जरूरी है और आप कमाने भी होने चाहिए. अप टू 5 लाख क्या बेटा? निल. 5 लाख टू 10 लाख 20% एंड अबव 10 लाख इट विल बी 30%. यस, हालांकि मैं आपको बता दूं, जनरली एग्जामिनर जब आपसे पूछता है वो आपको या तो सीनियर सिटीजन का पूछता है या तो नॉन सीनियर सिटीजन का पूछता है, ये एकदम फैक्ट है. यस, चलो जी, अब हम चलते हैं टैक्स रेट फॉर अदर एंटिटीज में. किस में चलते हैं? टैक्स रेट फॉर अदर एंटिटीज. सबसे पहले मैं टैक्स रेट फॉर अदर एंटिटीज में जाना चाहूंगा फर्म एंड लोकल अथॉरिटी. फर्म एंड लोकल अथॉरिटी के केस में बेटा टैक्स रेट इज डायरेक्टली 30%. सो इफ द इनकम दे अर्न, इफ दे अर्न एनी काइंड ऑफ इनकम, द टैक्स रेट इज 30%. स्टॉप. इनका टैक्स रेट 30% है, इनका सरचार्ज रेट है. Yes, इनकी इनकम एक्सीड कर जाए अगर 1 करोड़ से, द सरचार्ज रेट इज 12%. सो इफ द इनकम एक्सीड 1 करोड़, द सरचार्ज रेट इज 12% एंड एचईसी वुड बी एट द रेट ऑफ 4%. क्लियर है मालिक? चलिए, यहां कहीं कोई चेंज नहीं. आते हैं नेक्स्ट डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर. आइए इस पे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन सुनिए. डोमेस्टिक कंपनी, साल था 2014, पहले हिस्ट्री समझ लीजिए. साल था 2014, कौन सा बेटा? 2014.
कंपनी अगर देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पे दो तरीके की कंपनी होती है, एक कंपनी होती है डोमेस्टिक कंपनी, दूसरी होती है फॉरेन कंपनी, ठीक है। अब साल था 2014, एक लहर घूम रही थी अब की बार, ठीक है, एक लहर घूम रही थी। इस टाइम पे मोदी सरकार ने कमिटमेंट किया था कि भैया हम जो कंपनी के टैक्स रेट देन हुआ करते थे 30%, हम इसको लेकर के आ जाएंगे 25% के ऊपर। तो 2015 में ऐसा हुआ भी कि फर्स्ट टाइम उन्होंने 30% को 29% पे लेकर के आ गए, 1% रिड्यूस किया और वादा किया। क्या किया? वादा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं अगले 4 साल में 1% से टैक्स रिड्यूस करूंगा। मतलब बाय द एंड ऑफ 2019 द टैक्स रेट 30% से कहां आ जाता? 25% पे आ जाता। 2015 में तो उन्होंने टैक्स रेट कम किया, लेकिन 2017 और 18 में करना भूल गए। एंड अपोजिशन इतना स्ट्रांग था कि वो भी भूल गया। वहां से दीदी चिल्लाई, कहां से? वो वहां से दीदी चिल्लाई, एटो चलबे ना, गलत झूठ बोलता है तुम लोग। ऊपर से मफलर वाले बाबा भी चिल्लाए जब याद आया 2 साल बाद, ये गलत है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र से भी कुछ लोग चिल्लाए, जर कंपनीचा टैक्स कमी केलार नाही मारल्या शिवाय राहणार नाही। उधर नीचे से हैदराबाद से कुछ लोग चिल्लाए, मोदी जी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सब चिल्लाने लग गए। 2 साल बाद फाइनेंस मिनिस्टर को भी याद आया, हाँ जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, किया तो है वादा। 2 साल बाद इन्होंने क्या किया? द देन यू नो मेक इन इंडिया आ चुका था, तो इन्होंने क्या किया जरा देखिए। 2 साल बाद मतलब इन 2018 इन्होंने फर्स्ट टाइम बोला, अगर किसी का 16-17 में टर्नओवर, क्या 16-17, 2018 में खड़ा होके ये बात कब की कर रहे हैं, 2016 की। तो 2018 में खड़े होके ये कहते हैं, अगर किसी का 16-17 का टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे है, उनको 25%, बचे हुए को 30%। सारी कंपनी जो इस भरोसे पे अपने एम्प्लॉय को बोली थी कि भैया क्या करो वोट दो, सारी कंपनी मस्त एक नंबर। क्या चिल्लर बाटी 50 करोड़? 50 करोड़ का टर्नओवर, आप सोचिए, मैं टर्नओवर की बात कर रहा हूं प्रॉफिट्स की नहीं, 50 करोड़ का टर्नओवर बहुत चिल्लर टर्नओवर है। आप सोचिए अपने क्लाइंट्स के अचीव हो जाते 50 करोड़ के टर्नओवर। एक अगर ट्रेडर होगा 50 करोड़ का टर्नओवर बहुत छोटी चीज है, स्टॉक ट्रेडर भी होगा तो। अब 50 करोड़ का टर्नओवर दिया वो भी कंपनी जैसी चीज को, कंपनी वाले परेशान हो गए। फाइनेंस मिनिस्टर बोली रुको जरा सबर करो। अगला साल आया 2019, उन्होंने इस लिमिट को बढ़ा दिया क्योंकि इतना एजिटेशन आने लग गया कंपनी से, उन्होंने इस लिमिट को बढ़ा दिया। उन्होंने कहा अगर किसी का 17-18 में टर्नओवर 250 करोड़ तक के है तो 25% टैक्स रेट, अदरवाइज 30% टैक्स रेट। अगले साल 250 करोड़, क्योंकि बड़ी कंपनी के लिए अभी भी ये सैटिस्फैक्टरी नहीं था। बड़ी कंपनी बोल रही क्या मजाक कर रहे तुम लोग, 2019 में इलेक्शन है मालूम है ना, 2019 में आए, उन्होंने बोला 400 करोड़। खुश, सब खुश, 400 करोड़। अगर किसी कंपनी का, डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर, कहां बेटा 2 साल पहले के लिमिट्स लगाते, अगर 2018 के अंदर में, राइट, सॉरी 2017 के अंदर में तुम्हारा टर्नओवर 400 करोड़ तक के होगा तो 25%, नहीं तो 30%। ये सुनो, यहां तक के भी सब हुआ, यहां तक के भी सब हुआ। इसके बाद ये 400 करोड़ का टर्नओवर इन्होंने कंटिन्यू रखा और बस हर साल आते और ईयर चेंज कर देते। इस साल भी मैं आपको बताता हूं, लास्ट टाइम पे जो आपका टर्नओवर लिमिट था वो था 400 करोड़, ईयर था 1920। इस साल उन्होंने बस एक चेंज किया है, अमेंडमेंट नंबर 2 इन चैप्टर नंबर 1, उन्होंने 1920 को 2021 कर दिया। दिस इज सेकंड अमेंडमेंट। समझ में आ रहा है अमेंडमेंट क्या हुआ है? मतलब उन्होंने ये 400 करोड़ की लिमिट को एज इट इज रखा, यानी उन्होंने कहा अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है जिसकी टोटल इनकम कितनी तक की है बेटा, अप टू 1 करोड़ है, इसका टैक्स रेट, सॉरी पहले यहां पर टर्नओवर लिख देते। डोमेस्टिक कंपनी में भी उन्होंने 2 पार्ट बना दिए, ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर इन 2021 इज अप टू 400 करोड़, और यहां पर बना दी अदर कंपनी, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज नोट्स में तो है ही। इनका अगर टोटल इनकम कितने तक के बेटा, अप टू 1 करोड़ तक के है, इनका टैक्स रेट क्या रहेगा? 25% प्लस 4%, क्योंकि इनकम अगर 1 करोड़ के ऊपर नहीं जा रही तो सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है, सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है। यस, दूसरा, अगर इनकी टोटल इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के ब्रैकेट में है तो 25% प्लस 7% प्लस 4%,
डोमेस्टिक कंपनी के केस में सरचार्ज रेट इज 7%, एंड अगर इनकी टोटल इनकम अबव 10 करोड़ जा रही है तो 25% प्लस 12% प्लस 4%। समझ में आ रहा है बात? तो इन्होंने इस साल अमेंडमेंट क्या किया है, जो 1920 था इसको क्या कर दिया 2021। दिस इज द सेकेंड अमेंडमेंट। समझ में आ रही बात? अदर कंपनी के लिए यही चीज थी 30% प्लस 4%, यहां था 30% प्लस 7% प्लस 4%, यहां है 30% प्लस 12% प्लस 4%। सो अदर कंपनी के लिए टैक्स रेट थे 30%, इनके लिए थे 25%। अब किसी नालायक का मेरे को सवाल आ सकता है, सर अगर कंपनी 21-22 में इनकॉर्पोरेट हुई तो उसका तो 2021 का टर्नओवर 400 करोड़ से नीचे ही है ना, तो उनको 25 लगेगा या 30 लगेगा? 25 लगेगा या 30 लगेगा? 30। उन्होंने ये नहीं कहा कि टर्नओवर ही नहीं होना चाहिए, उन्होंने ये कहा टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 400 करोड़, तो दे विल हैव हायर टैक्स रेट्स। फॉरेन कंपनी के लिए इज इट 40% प्लस 4% अगर इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के ब्रैकेट में है? यहां पे 40% प्लस 2% प्लस 5% फॉरेन कंपनी के केस में अगर इनकम 1 से 10 करोड़ है, सरचार्ज रेट वुड बी 2%, एंड अगर फॉरेन कंपनी है 40% प्लस 5% इधर 4% होना चाहिए था, 40% प्लस 5% प्लस 4%। सो इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी द सरचार्ज रेट आर 7% एंड 12%, वेयर एन इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी सरचार्ज रेट आर 2% एंड 5%। क्लियर है मालिक? अनरजिस्टर्ड एसोसिएशंस, अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट, एक ऐसा ट्रस्ट है जो बनाया है उसको रजिस्टर नहीं किया, एजेबी में कवर्ड हो गया, 50 लाख के ऊपर के लिमिट में कवर्ड हो गया। हाँ जी, अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट, अनरजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, सब एजेबी के अंदर में आएंगी। यस, ये समझ में आया बेटा टैक्स रेट? चलो, तो अमेंडमेंट क्या हुआ है, दूसरा अमेंडमेंट हुआ है, यहां यू नो 1920 की जगह 2021 इंसर्ट कर दिया गया है, 400 करोड़ की लिमिट एज इट इज रखी गई है, 25%, 30% और 40%। नीचे आइए, सरचार्ज रेट आपके 1 करोड़ से 10 करोड़ डोमेस्टिक कंपनी के केस में 7 एंड 12%, फॉरेन कंपनी के केस में 2 एंड 5%। गेटिंग इट मालिक? यस। हाँ, डीटी चार्ज में भी ये सब एज इट इज है, तो टेंशन लेने का काम नहीं, वहां पे भी ये सब कवर्ड है। दो अमेंडमेंट मैंने अभी तक आपको सिखाए, कौन से दो अमेंडमेंट थे? एक 112 भी अब एनहांस सरचार्ज में आता नहीं, दूसरा अमेंडमेंट क्या था? बराबर है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, थर्ड अमेंडमेंट की बात कर रहा हूं बेटा मैं, बेटा मैं बात करने जा रहा हूं थर्ड अमेंडमेंट की। आर यू विथ मी? सर, कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप में से कितने लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट किया है? बिल्कुल जीरो। कभी उसका टैक्सेशन किया है? नहीं। सर क्या किया है? टिक, उल्टे टिक, है ना। चलो, कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स रेट क्या था मैं समझाता हूं आपको। अच्छा देखिए, इंडिविजुअल्स के लिए, कंपनी के लिए और कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम है, हम अभी अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम डिस्कस नहीं कर रहे, ये पूरा आगे डिस्कस करेंगे, मैंने आपको इस पे कल भी क्लैरिफिकेशन दिया है, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर मैं बात करूं तो इनके लिए फर्स्ट 10,000 पे टैक्स था 10%, नेक्स्ट 10,000 के लिए टैक्स था 20%, एंड बैलेंस इनकम के लिए इनके लिए टैक्स रेट था 30%। याद आ रहा है सभी को? और अगर इनकी इनकम कितने से एक्सीड हो जाती थी, 1 करोड़ से एक्सीड हो जाती थी, तो इनपे सरचार्ज रेट हुआ करता था 12%, एंड इनपे एचईसी तो था ही कितने परसेंट का, 4%, ये टैक्स रेट हुआ करता था। क्या आज भी है? बिल्कुल है। तो क्या बदल गया?
सरचार्ज बदल गया, थर्ड अमेंडमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए सरचार्ज बदल गया। सरचार्ज क्या है? अगर इनकी इनकम 1 से 10 करोड़ तक की है 7%, अगर इनकी इनकम अबव 10 करोड़ है 12%। सो अमेंडमेंट 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 फाइनेंस एक्ट 2022 का थर्ड अमेंडमेंट है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स रेट क्या हो गया, बदल गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में जो सरचार्ज रेट है ये बदल गए, ये क्या आ गए बेटा 7% एंड 12%। यस मालिक। इन शॉर्ट अब कोऑपरेटिव सोसाइटी का सरचार्ज रेट इज इक्वल टू डोमेस्टिक कंपनी सरचार्ज रेट। समझ में आ रही बात? डोमेस्टिक कंपनी का सरचार्ज रेट और कोऑपरेटिव सोसाइटी का सरचार्ज रेट अब सेम है। तीसरा अमेंडमेंट समझ में आया? सो टैक्स रेट रिमेन कॉमन। इनका अल्टरनेटिव टैक्स कहां कवर्ड है? 115BAD डिस्कस करेंगे। ये अमेंडमेंट समझ में आ रहा है सभी को? फोर्थ अमेंडमेंट। सर आप डरा रहे हो? हां, एओपी के केस में आया है फोर्थ अमेंडमेंट। एओपी के केस में आया है सर। एओपी, पहले एओपी समझते हैं क्या है। सपोज दो इंडिविजुअल मिल करके एक जेवी बनाते हैं, ये एओपी है या बीओआई है? ऑब्वियसली बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एक ऐसा एसोसिएशन जिसमें सिर्फ इंडिविजुअल्स हो, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। सपोज एक इंडिविजुअल प्लस एक कंपनी मिलके एक जेवी बनाए, इसको हम क्या कहते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सो एसोसिएशन ऑफ पर्सन कवर्स पर्सन और पर्संस, पर्सन और पर्संस। ठीक है, अब समझिए, दो कंपनी मिलकर के अगर जेवी बनाए, इसे भी आप एओपी ही कहेंगे, यस और नो? ठीक है, अब ऐसी एओपी जिसके दो पार्ट बनाते हैं, ध्यान से सुनिए, एक ऐसी एओपी, एओपी पे टैक्स रेट क्या होते हैं पहले ये समझ लेते हैं। अभी कुछ दिनों बाद जाकर के हम टैक्सेशन ऑफ एओपी पढ़ेंगे, राइट? उसमें हम कुछ कंडीशंस भी डिस्कस करेंगे। टैक्स रेट इन जनरल, मैं इन जनरल को डबल अंडरलाइन कर रहा हूं बिकॉज दिस इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। एओपी का जनरल टैक्स रेट वो होता है जो इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल है, बराबर है? जनरली एओपी का टैक्स रेट वो एप्लीकेबल है जो इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल है। 2,50,000 का स्लैब लिमिट, याद करो, इंडिविजुअल बिलो 60, नॉन रेसिडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एज, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी। तो एओपी के लिए जनरली टैक्स रेट जो है वो वही एप्लीकेबल है जो इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन मेरे दोस्त, ऐसा एओपी विच कंसिस्ट ओनली कंपनी एज मेंबर, एओपी विच कंसिस्ट कंपनी एंड अदर एज मेंबर। अब अमेंडमेंट कहां है जरा ध्यान से सुनिए, अमेंडमेंट आया है यहां पे। अमेंडमेंट किसको लेकर के आया है? अमेंडमेंट लेकर के आया है सरचार्ज में। इनका टैक्स रेट इन जनरल वही है जो इंडिविजुअल को है, लेकिन ऐसी एओपी जिसमें मेंबर सिर्फ कंपनी है, ऐसी एओपी जिसमें मेंबर सिर्फ कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल आईटीसी एंड पतंजलि ने मिल करके कोई जेवी बनाया, अब ये हो गई ऐसी एओपी जिसमें सिर्फ कंपनीज है, इनका सरचार्ज रेट क्या रहेगा? वही 1 से 10 करोड़ पे एंड अबव 10 करोड़ पे। यस, 1 से 10 करोड़ पे 10%, अबव 10 करोड़ पे 15%। यहां 7 और 12 नहीं है, एक मिनट मैंने एक अमाउंट गलत लिखी है, वो कर रहा हूं। यहां पे 50 लाख टू 1 करोड़ एंड अबव 1 करोड़। इधर देखिए, एओपी कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कंपनी एज मेंबर 50 लाख टू 1 करोड़ 10%, अबव 1 करोड़ 15% सरचार्ज, एंड द मैक्सिमम सरचार्ज रेट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 15%। लेकिन ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जहां पे एओपी में सिर्फ कौन है? कंपनीज। सो अगर कोई ऐसी एओपी है जिसके अंदर में मेंबर सिर्फ कंपनीज है, अगर कोई ऐसी एओपी है जिसके अंदर मेंबर सिर्फ कंपनी है, अगर कोई ऐसी एओपी है जिसके अंदर मेंबर सिर्फ
कंपनी है, तो ऐसे केस में 50 लाख टू 1 करोड़ के केस में आपका जो सरचार्ज रहेगा ये 10% रहेगा एंड 1 करोड़ के ऊपर आपका सरचार्ज रेट 15% रहेगा। सर अगर अदर मेंबर्स भी है तो फिर तो वही 10, 15, 25, 37। अदर्स के केस में तो आपका सरचार्ज एज इट इज है, वहां तो चेंज किया ही नहीं है, वहां आपका कोई चेंज नहीं है, वहां आपका सरचार्ज एज इट इज है। एवरीबॉडी, तीसरा अमेंडमेंट समझ में आया सभी को? पहला अमेंडमेंट था 112 के ऊपर एनहांस सरचार्ज नहीं लगता। दूसरा अमेंडमेंट था यस कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में यस 7% एंड 12% 1 और 10 करोड़ की लिमिट के ऊपर। तीसरा अमेंडमेंट कंपनी के केस में जहां प्रीवियस ईयर 1920 था उसको हटा के 2021 किया। चौथा अमेंडमेंट एओपी जिसमें मेंबर सिर्फ कंपनी है 50 लाख के ऊपर 10% सरचार्ज, 1 करोड़ के ऊपर 15% सरचार्ज। क्लियर है सभी को? यस। चलिए एक एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल नंबर 6। जोजो लिमिटेड एंड सोसो लिमिटेड फॉर्म्ड एन एओपी having total income 80 lakh from all sources combined, compute the tax liability for assessment year 23-24. Is that AOP consist only company अब बोलो what will be the tax निकालिए निकालिए टैक्स निकालिए। हाँ ट्वेंटी 25,12,500 यस। रुकिए रुकिए रुकिए, आप बहुत बेसिक गलती कर रहे हैं। पूछिए कैसे, पूछिए ना कैसे टैक्स रेट फॉर एओपी सेक्शन 167 आता है यहां पे, एओपी का टैक्स रेट क्या रहेगा, एओपी का टैक्स रेट क्या रहेगा। अगर मेंबर कंपनी है तो एओपी का टैक्स रेट भी वही हो जाता है जो कंपनी का टैक्स रेट है। आप क्या गलती करने जा रहे हैं, आप इंडिविजुअल का टैक्स रेट लगाने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया सरचार्ज में अमेंडमेंट है, तुम बेसिक टैक्स में अमेंडमेंट कर रहे हो। बच्चे तीन प्रकार के होते हैं, एक जो पढ़ाई करते हैं, दूसरे जो मस्ती करते हैं, आप है तीसरे जो आविष्कार करते हैं। समझ में आ रही है? तुमने क्या किया अभी, एक मिनट रुको, वहां पे ऐसा लिखो मैं पागल हूं, ठीक है ऐसा लिखने का मस्त, मैं पागल हूं उसकी शादी हो जाएगी, बुआ मामा, अरे झंडू क्या कर रहा तू, डोंट गेट ऑफेंडेड विद द लैंग्वेज, मेरा प्यार करने का तरीका ही यही है। अरे तू क्या कर रहा, तू इंडिविजुअल के टैक्स रेट एचयूएफ को लगा रहा, मैंने तुझे कहा था जनरली दीज आर सब्जेक्ट टू कंडीशन, बट अगर आपको एक अटेम्प्ट भी हुआ है तो आपको समझ में आया होगा आपने क्या गलती की। आपने टैक्सेशन ऑफ एओपी अगर पढ़ा होगा, द टैक्स रेट फॉर एओपी, अगर मेंबर कंपनी है तो कंपनी रेट अप्लाई होता है। समझ में आ रही है बात, क्या अप्लाई होता है, कंपनी रेट। नाउ अज्यूमिंग इट्स 30% वो अप्लाई करो, 80 लाख का 30% इज इट 24 लाख टैक्स। नाउ यू टेल मी सरचार्ज इज एट द रेट ऑफ 10% इज इट 2,40,000, दैट्स कम्स टू 26,40,000। इसमें एचईसी ऐड कर देंगे एट द रेट ऑफ 4%,
That's come to 105600. Total comes to 27,45,600. क्या चेंज हुआ है? सरचार्ज. समझ में आया? लिखो माय नोट. अगर एओपी में कंपनी मेंबर है, अगर एओपी में कंपनी मेंबर है, अगर एओपी में कंपनी मेंबर है तो टैक्स रेट विच इज एप्लीकेबल टू कंपनी, टैक्स रेट विच इज एप्लीकेबल टू कंपनी विल बी एप्लीकेबल टू एओपी. द टैक्स रेट विच इज एप्लीकेबल टू कंपनी इज एप्लीकेबल टू एओपी. इसलिए अबाव प्रॉब्लम डायरेक्टली 30% से सॉल्व किया. इसलिए अबाव प्रॉब्लम डायरेक्टली 30% से सॉल्व किया. समझ में आया क्या? उसके आगे लिखो ब्रैकेट में रिफर टैक्सेशन ऑफ एओपी, रिफर टैक्सेशन ऑफ एओपी. अब आप मुझे बताइए, क्या रिवीजन लेक्चर्स से काम सच में हो जाता था? समझ आ रहा है आपको? रिवीजन लेक्चर कोई भी टीचर डालता है ना, इंक्लूडिंग मी, हम सिर्फ और सिर्फ कंटेंट रिवाइज करवा देते थे. ये जो बेसिक इंटरक्रेसीज है ना, ये तब आपके दिमाग में आती है जब आप उसको एक्चुअली ऑन पेपर सॉल्व करते हो. And that's why revision won't work at all the times. समझ में आई बात? Revision तब करें जब आपके basic BMW clear है. समझ आ रहा है क्या? ये आपका basic BMW clear है, तब revision करो, तब सब सब सही है इसमें. चलो मालिक, बड़े आंगे. हाँ जी, चारों amendment clear. So cooperative society भी एक बार देख लीजिए. Cooperative society में generally tax rate is first 10,000, next 10,000 and balance के ऊपर 30%. लेकिन cooperative society में भी आ गया है amendment, 1 से 10 करोड़ पे 7% and above 10 करोड़ कितना परसेंट आएगा बेटा? 12%. Clear? Yes. अब एक ही चीज बचती है पूरे चैप्टर नंबर 1 में, एंड दैट इज मार्जिनल रिलीफ. मार्जिनल रिलीफ किया मतलब आपका चैप्टर नंबर 1 खत्म, बेसिक्स एंड टैक्स कैलकुलेशंस. यस, चलिए मार्जिनल रिलीफ समझते हैं. आर यू रेडी? एग्जाम्पल नंबर 6 ना. 6 कहां किया अपन ने यूज? अच्छा, ये अभी 6 किया हमने. ओके, एग्जाम्पल नंबर 7. एग्जाम्पल नंबर 7 मार्जिनल रिलीफ. चलो एक काम कीजिए, 50 लाख पे टैक्स निकाल लिए आफ्टर एचईसी. कैलकुलेटर उठाइए, फटाफट निकालिए, डोंट हैव टाइम. 50 लाख पे टैक्स निकालिए. 50 लाख में से पहले 10 लाख तक का टैक्स बचा है, बचे हुए पे 30% प्लस 1,12,500 प्लस 4% डायरेक्टली. डज द टैक्स कम्स टू 13,65,000? डू यू अग्री? चेक कर लीजिए. यस, आफ्टर एचईसी. सरचार्ज नहीं लगाया, बिकॉज सरचार्ज तभी लगता है जब इनकम 50 लाख को एक्सीड करती है. चलिए 51 लाख पे टैक्स निकालिए, इंक्लूडिंग एवरीथिंग. Is it 15,35,820 after everything? यहां पे भी अगर गड़बड़ हुई होगी तो प्लीज अपने आपको एक जोर से थप्पड़ मारना, है ना? बोला मैं पागल हूं. क्या गलती कर रहे थे आप? सरचार्ज ऐड नहीं कर रहे थे. जहां इनकम 50 लाख से ऊपर गई, सरचार्ज आएगा. अब मेरी एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा.
इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी निकाल लो कितना आ रहा है, 1,70,820 समथिंग, यस। अब एक संवाद सुनिए और खुद डिसाइड कीजिए कि मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आया क्यों होगा। लॉजिक समझा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, राइट। सर हुआ ये कि मेरी इनकम कितने से बढ़ी, एवरीबॉडी रिप्लाई, मेरी इनकम कितने से बढ़ी, 1 लाख। मेरा टैक्स कितने से बढ़ गया, 1,70,820। इमेजिन वाई, इमेजिन वो आके बोलती हाय योर इनकम इज 51 लाख, नाउ यू नीड टू पे 15,35,820 असेसी। तू सुन, मेरी इनकम कितने से बढ़ाई, 1 लाख। मेरा टैक्स कितने से बढ़ गया, 1,70,820। कौन से देश का न्याय है ये, ऐसा क्या कर रहे हो भैया, मैं तो आपकी रेगुलर कस्टमर हूं ना। अरे मतलब 1 लाख से इनकम बढ़ी, दैट्स यू नो सी काम डाउन, दैट्स अ सरचार्ज इफेक्ट। बहन सुन, तू समझ नहीं रही है, इनकम 1 लाख से बढ़ी, मेरा टैक्स तूने बढ़ा दिया 1,70,820। ये कौन से देश का न्याय है, मैक्सिमम टैक्स रेट भी 30% है, तूने 170% लगाया मेरे पे, 100% ऑफ इनकम प्लस 70% एडिशनल, कौन से देश का न्याय है। देखिए चिल्लाइए मत, दैट्स सरचार्ज, मैंने ना बॉटल फेंक के मारना है तेरे ऊपर, मैं नहीं कर रहा ये, इससे अच्छा तो टैक्स ना कमाता वो, इससे अच्छा तो इनकम ना कमाता वो बेहतर होता। कमाया एक्स्ट्रा कितना, 1 लाख, टैक्स कितना, 1,70,820। नहीं कमाता वो, चिल्लाती रहती तो मुझे टाइम नहीं देते, आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग एनीमोर, उसके पास जाता हा? अरे कुछ भी और कर लेता, हमारा बॉस चिल्लाता रहता इतना काम करने के बाद, तुम रुकते नहीं ऑफिस में, कुछ तो करते, 1 लाख एक्स्ट्रा कमाया, उसका टैक्स आ रहा 1,70,820। किसने कौन से नशे में लॉ बनाया ये। सो देखिए कुछ मत दिखा, सॉल्यूशन बोल। अच्छा ठीक है, आप चिल्लाइए मत, मैं आपको मार्जिनल रिलीफ देती हूं, दे कुछ तो दे। अब इसने मार्जिनल रिलीफ निकाला, अब इसने क्या निकाला, मार्जिनल रिलीफ। अब मार्जिनल रिलीफ कैसे निकाला, ध्यान से सुनना, ठीक है, इतना जबरदस्त कंसेप्ट है, पहले कुछ मिसकंसेप्शन क्लियर कर देता हूं। पॉइंट नंबर 1, मार्जिनल रिलीफ इज अवेलेबल टू ऑल काइंड ऑफ असेसी, सो इट इज नॉट जस्ट अवेलेबल टू इंडिविजुअल, इट इज अवेलेबल टू ऑल काइंड ऑफ असेसी। दूसरी बात, मार्जिनल रिलीफ का कोई फिक्स लिमिट नहीं है, मार्जिनल रिलीफ एक ट्रायल एंड एरर का गेम है, एट व्हाट पॉइंट इन टाइम योर एडिशनल इनकम अर्नड डज नॉट एक्सीड योर एडिशनल टैक्स पेएबल। समझ में आ रही बात, तो आपको मार्जिनल रिलीफ ट्रायल एंड एरर करके निकालना पड़ेगा, ऐसी कोई लिमिट नहीं है फिक्स। यस, हाँ आप कैलकुलेट करके ये बता सकते हो कि इस पे मार्जिनल रिलीफ नहीं लगेगा, बट दैट हैज ऑल्सो टू बी कैलकुलेटेड। अब मुझे समझाइए, इन्होंने मार्जिनल रिलीफ कैसे निकाला, इन्होंने कहा, ध्यान से सुनना, लिखना कुछ मत, इन्होंने कहा तुम एक काम करो, अब ये दीदी आती है, ये दीदी मुझे कहती है टैक्स ऑन 50 लाख निकालो, क्या निकालो, टैक्स ऑन 50 लाख निकालो, निकालो निकालो, ये मुझे नहीं है तुम्हें कह रही है, निकालो 13,12,500, मैंने टैक्स कहा, क्या निकालो, टैक्स निकालो, इसमें ऐड कर दीजिए टोटल इनकम माइनस 50 लाख, इसमें ऐड कर दीजिए टोटल इनकम माइनस 50 लाख, टोटल इनकम कितनी थी बेटा, 51 लाख, माइनस 50 लाख, पूरा ऐड कर दीजिए 1 लाख, अब आपका टोटल कितना हुआ, 14,12,500, यस। बस अब सीधा इसमें एचईसी ऐड कर दीजिए, सरचार्ज लगाने की जरूरत नहीं, 14,12,500 प्लस 4% दैट कम्स टू 14,69,000 लीजिए, अब इतना पे कर दीजिए, हमने रिलीफ दे दिया असेसी। चुड़ैल मेरे को एक बात बता, ये कौन सा रिलीफ है, अभी भी तो मैंने जो 1 लाख कमाया वो मैं टैक्स को दे रहा हूं, ऊपर से 4,000 सेस के और दे रहा हूं। इक्वल रिलीफ कहते हो तुम इसको, दैट्स हाउ द फॉर्मूला इज मेड।
कैसी बातें कर रहे हैं आप, मारपीट क्यों रहे हैं? देखिए ना रिलीफ है, पहले आप कितना पे कर रहे थे, 15,35,820, अब आप कितना पे कर रहे हैं, 14,69,000, सी रिलीफ। उठ निकल, कोई रिलीफ है ये, कोई रिलीफ है? लॉजिकली छोटे अमाउंट्स पे रिलीफ नहीं होता, ये रिलीफ बड़े अमाउंट पे होता है। यस सी, मार्जिनल रिलीफ वर्क कहां करता है, जहां इनकम स्लाइटली सरचार्ज लिमिट के ऊपर जाए, जिसका इंपैक्ट ऐसा हो कि आपका टैक्स पेबल आपके एडिशनल इनकम अर्न से ऊपर चले जाए। छोटे इनकम्स पे आपको मार्जिनल रिलीफ का इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता। समझ में आ रहा है सभी को? आइए जरा समझते हैं। क्वेश्चनेयर अगर आप देखेंगे, पूरे 39 टॉपिक्स का क्वेश्चनेयर आपको बना करके दिया हुआ है। क्वेश्चनेयर में भी आपके सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। अभी ये 51 लाख का जो क्वेश्चन है, जरा इधर देखिए, ये जो 51 लाख का क्वेश्चन है ये यहां कवर्ड है। कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ राजा हैविंग टोटल इनकम ऑफ 51,50,000, बराबर है। अभी आपको इस तरीके से पूरा मार्जिनल रिलीफ अप्लाई करके क्या किया गया है, टैक्स निकाला गया है। एग्जामिनर कभी आपको बोलेगा नहीं कि मार्जिनल रिलीफ अलग से निकालो, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको मार्जिनल रिलीफ निकालना है। समझ में आ रही है बात? सो ये भी हम करेंगे, पहले इधर समझाइए वापस। एग्जामिनर आपको कभी नहीं बोलेगा कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला याद रखे, टोटल इनकम जहां पे सरचार्ज लिमिट एप्लीकेबल नहीं है वहां तक के निकाल लो, इसमें टोटल इनकम माइनस 50 लाख कर दो, आपका जो भी टैक्स निकला इसमें सरचार्ज अलग से लगाने का जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली एचईसी लगाओ। यही अगर आप 1 करोड़ तक का निकाल रहे होंगे, 1 करोड़ 1 लाख सपोज कर लेते हैं, 1 करोड़ 1 लाख निकाला आपने, आप टैक्स कैसे निकालोगे, टैक्स ऑन 1 करोड़ अलोंग विद अ सरचार्ज ऑफ 10%, आप हायर सरचार्ज लिमिट नहीं लगाओगे। यही मार्जिनल रिलीफ का गेम है। यस, पहले एक काम कीजिए, लिखिए एग्जांपल नंबर 7, मार्जिनल रिलीफ, टोटल इनकम लिखिए 51 लाख, टोटल इनकम लिखिए 51 लाख, वहां लिखिए नॉर्मल टैक्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट, कितना निकला था अपना 15,35,820, यही निकला था ना, चेक कर लेना। डन। दूसरा लिखे टैक्स आफ्टर मार्जिनल रिलीफ, डन है जी। चलिए एक और बार ट्राई करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7.2, सपोज कर लेते हैं आपकी टोटल इनकम 1.01 करोड़ है, अब बताइए टैक्स कैसे निकलेगा, आफ्टर मार्जिनल रिलीफ टैक्स कैसे निकलेगा, बोलो भाई। सबसे पहले आप निकालेंगे टैक्स ऑन 1 करोड़ अलोंग विथ सरचार्ज ऑफ 10%। यस निकालो, ये कितना आ रहा है,
that comes to ₹30,93,750। इसमें से टोटल इनकम माइनस 1 करोड़ भी करना पड़ेगा, यानी कितना 1 लाख ऐड कर दें। अब बताइए टोटल कितना हुआ, 31,93,750। अब क्या मैं डायरेक्टली एचईसी कर सकता हूं एट द रेट ऑफ 4%? फाइनल आंसर 33,21,500 टैक्स आफ्टर मार्जिनल रिलीफ। डू यू अग्री? सच में इजी है कि नहीं मार्जिनल रिलीफ? चलिए इज दिस डन। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको क्वेश्चनेयर से, क्वेश्चनेयर का क्वेश्चन नंबर 3। आकाश जिसकी टोटल इनकम है 1 करोड़ 2 लाख, सीधा मार्जिनल रिलीफ निकाल के दिखाओ, मार्जिनल रिलीफ के साथ टैक्स। पेपर पे लिखना चाहते हो लिख दो, निकालो स्टार्ट। पेपर पे लिखो, मत टेंशन लो, पेपर पे लिखो, आंसर आपके पास क्वेश्चनेयर में है। मार्जिनल रिलीफ निकालने के टाइम पे आप आपका जो आंसर है किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हो, जो क्वेश्चनेयर में फने फॉर्मेट दिया है वो भी, या जो ये फॉर्मूले के थ्रू निकल रहा है ये भी। बोलो कितना आ रहा है आंसर, 34,25,500। पक्का श्योर हो? क्या लगता है मैच कर जाएगा आंसर? एंड योर आंसर इज 34,25,500। एब्सोल्युटली करेक्ट। आता कसं वाटते, अब ठीक लग रहा है? थोड़ा सा कुछ जम रहा है लाइफ में? ऐसे कैसे? क्वेश्चन नंबर 4, 2 करोड़ 2 लैक्स। रजिस्टर में सॉल्व करो, सॉल्व करो। देखो आंसर ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में लिखा है, तुम्हारे रजिस्टर में भी अगर सॉल्व हो जाए तो प्रैक्टिस हो जाएगी। टू करोड़ टू लैक्स ये जो क्वेश्चन बैंक है, इसका भी चैप्टर नंबर 1 का पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं इस वीडियो के नीचे है, ज्वाइन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। जवाब क्या आ रहा है? 71,59,750। एक जवाब ये आ रहा है, बाकी सब आगे। ये आंसर सबका मैच हो रहा है ऑनलाइन, जितने भी लोग फटाफट जवाब दो, क्या सभी का आंसर ये मैच कर रहा है? एंड योर आंसर इज 71,59,750। ब्रावो, एक नंबर काम।
फॉर्मेट आप ये भी यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको दिया हुआ है, आप सेम फॉर्मूला लगा के भी यूज कर सकते हैं। याद रखें, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए कोई फॉर्मेट इनकम टैक्स ने दिया हुआ नहीं है, बट प्रेजेंटेशन आप फॉर्मूले से बहुत इजीली निकाल सकते हो, ये मेरे को पता है। क्लियर है मालिक? चलो इतनी दूर आई गए हो तो 5 करोड़ 2 लाख पे भी कर दो। नहीं मतलब इतनी दूर आई गए हो तो एक और प्रॉब्लम कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है, इसी बहाने क्वेश्चन एयर खत्म हो जाएगा। निकालो, स्पीड लाओ, स्पीड लाओ, कैलकुलेटर पे स्पीड लेके आओ, दिमाग लगाओ, कैलकुलेटर पे आंसर निकालना सीखो। हाउ मच? सो 1,94,64,250। यहाँ पे 6-7 आंसर आ गए, आपका नहीं आया मैडम अभी तक। निकालो 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 बेटा, मत, तेरा भाई कितना आ रहा है? सेम भाई तेरा, सेम, एंड योर आंसर कम्स टू 1,94,64,250। एक नंबर, 4 के 4 आंसर आपके मैच हो गए, आपका आंसर आईसीआई आंसर मैच, गेम ओवर। Yes or no? Yes. आज मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 जो क्वेश्चनेयर का है, ये आपने सॉल्व करके आना है। देखो क्वेश्चनेयर में आपके साथ ही क्वेश्चन दिए हैं फाइनल में टैक्स कंप्यूटेशन के, बाकी मैंने ऑलरेडी सारे क्लास के अंदर में ले लिए, राइट? 7 क्वेश्चन दिए और बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड दिए हुए हैं, तो 2 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कर लोगे तो आज आपका क्वेश्चनेयर भी खत्म हो जाएगा साथ साथ में चैप्टर नंबर 1। समझ में आ रही बात? चैप्टर नंबर 1 ही आपका साथ साथ में ओवर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? हाँ या ना? राइट, दैट्स इट, खत्म, चैप्टर नंबर 1 ओवर। अब कैसा लग रहा है? चलिए, अगर मेरे साथ मार्जिनल रिलीफ लग रहा है, चलो तो अगर आप देखेंगे चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या इंपॉर्टेंट था, लॉजिकली अगर मैं देखूं तो थ्योरी में 2 चीजें इंपॉर्टेंट थी, पहला असेसी का डेफिनेशन और दूसरा वो एक्सेप्शन टू द जनरल रूल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। फाइनल में ये 2 ही चीजें थ्योरी में पूछते हैं। दूसरा, टैक्स कंप्यूटेशन किस किस का एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल का जो टैक्स कंप्यूटेशन है वो, प्लस स्पेशल रेट ऑफ टैक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो, प्लस मार्जिनल रिलीफ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो। आपने 50 लाख वाला भी प्रॉब्लम देख लिया, 1 करोड़ भी देख लिया, 2 करोड़ भी देख लिया, 5 करोड़ भी देख लिया, खुद ही सॉल्व किया आपने। समझ में आ रही बात? सो ये चीजें काम की है। अच्छा जी सर, तो यहां तो ये खत्म होता है, क्यों ना आप अगर 2 मिनट दें तो मैं आपको पूरा चार्ट भी दिखाऊं और चार्ट रिवीजन भी साथ साथ में कंप्लीट कर दूं। टाइम तो है, देखो आज अपने पास करीब 10-15 मिनट है। नया टॉपिक चालू करूंगा उतने में आपकी कुछ जलने वाली नहीं है ऊद, उससे बेटर यह है कि मैं चार्ट भी आपको दिखा दूं और चार्ट रिवीजन भी करवा दूं। आर यू रेडी? तो चलो चार्ट रिवीजन करते हैं। यस सर, तो आते हैं हम लोग डीटी चार्ट्स के ऊपर और चार्ट रिवीजन के ऊपर फॉर द पर्पस ऑफ मई 23 एंड नवंबर 23। ये जो डीटी के चार्ट्स है ये आप लोगों को दिए हैं, आपने देखा होगा मैंने नया चार्ट रिलीज किया, 100 मार्क्स 100 पेजेस। तो 100 पेजेस के अंदर में आपके करीब पूरे 52 टॉपिक्स को डाल रखा है, जितने कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे फटाफट रिवाइज करते हैं। चलो स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स। अगर एसएससी इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है बिलो 60, नॉन रेसिडेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, HUF, AOP, BOI, AJP अप टू 2,50,000, उसका टैक्स क्या रहने वाला है बेटा? नील। 2,50,000 से 5 लाख टैक्स रेट क्या रहने वाला बेटा? 5%। यहां तक का शॉर्टकट अगर आपको याद आ रहा हो, आपने फास्ट ट्रैक में पढ़ा हो, 12,500, 5 लाख तक का टैक्स दिमाग में सेट रखना। 5 लाख टू 10 लाख रुपीज द टैक्स रेट इज 20%। यस, यहां तक का शॉर्टकट क्या आ जाता है बेटा? 1,12,500 एंड अबव 10 लाख टैक्स रेट इज 30%। यही अगर असेसी इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है 60 और अबव अप टू 3 लाख रुपीज बेटा निल। 3 लाख टू 5 लाख बोलो बेटा 5%। 5 लाख टू 10 लाख कितना परसेंट बेटा? 20%। एंड अबाउट 10 लाख कितना परसेंट बेटा? 30%। यस, यही अगर एसएससी इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है 80 और अबाउ 5 लाख तक के निल। 5 लाख से 10 लाख 20%, अबाउट 10 लाख कितना परसेंट बेटा? 30%। यस और नो?
जब भी आप टैक्स निकालते रहेंगे, क्या आपको एचईसी भी एप्लीकेबल है एट द रेट ऑफ 4%? यस। रिबेट के लिए दो कॉन्सेप्ट है एवरीबॉडी, चलो रिकॉल, रिबेट के लिए दो कॉन्सेप्ट है। पहला था असेसी शुड बी इंडिविजुअल, ही शुड बी रेसिडेंट। टोटल इनकम नॉर्मल प्लस स्पेशल, टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख, तो रिबेट मिलेगा। हायर ऑफ या लोअर ऑफ? हायर ऑफ ना, हाँ लोअर ऑफ 100% ऑफ टैक्स और 12,500, विच एवर इज लोअर। अगर आपको याद हो तो 112A का जो टैक्स है उसमें से रिबेट मिलता नहीं, सो रिबेट इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम द टैक्स अंडर 112A, इसमें से रिबेट मिलता नहीं। जब भी आप लोग टैक्स कंप्यूट करेंगे, आपकी टोटल इनकम एंड टोटल टैक्स को राउंड ऑफ किया जाता है। जब भी आप टैक्स कंप्यूट करेंगे, आपकी टोटल इनकम एंड टोटल टैक्स को राउंड ऑफ किया जाता है इन मल्टीपल ऑफ ₹10। यस, सो आखिरी फिगर पे हमें फोकस करना होता है। आखिरी फिगर अगर 5 या 5 से ऊपर है तो हायर साइड राउंड ऑफ, नहीं तो लोअर साइड राउंड ऑफ। क्लियर है मालिक? अच्छा जी, याद करके देखिए, अगर किसी का बर्थडे 1 अप्रैल को आ रहा है तो यहां पे हमने केस पढ़ा था प्रभु दयाल सिस्मा नाम का। अगर किसी का बर्थडे 1 अप्रैल को आ रहा है और 1 अप्रैल को सीनियर सिटीजन बन रहा है, इज ही एलिजिबल फॉर हायर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट? यस। सो इफ अ पर्सन इज बोर्न ऑन 1 अप्रैल 1962 और 1942, ही विल गेट अ हायर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। यस। अच्छा, क्या इंडिविजुअल के पास ऑप्शन है टू पे द टैक्स एज पर 115BAC? Yes, इसको alternative tax scheme में देखेंगे। ये देखिए page number 2 आपका alternative tax scheme को ही discussion कर रहा है। Yes, चलो आओ बेटा, आते हैं special rate के ऊपर। फटाफट याद करके देखो, short term capital gain जो 111A का है उसका 15%, 112 का है कितना परसेंट बेटा 20%, 112A beyond 1 lakh 10%, casual income 115BB के तहत 30%, yes or no? राइट। अच्छा जी, नीचे के दो टैक्स है जहां यूज होने वाले हैं वहां देखेंगे। राइट, इंडिविजुअल्स के लिए ऑप्शनल टैक्स स्कीम 115BAC, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 115BAD एंड कंपनीज के लिए ऑप्शनल टैक्स स्कीम 115BAA, BAB एंड 115BA। यस, चलिए याद करके देखते हैं, सरचार्ज एप्लीकेबल है? यस, इंडिविजुअल HUF AOP BY AJP को सरचार्ज एप्लीकेबल है। बताइए अगर इंडिविजुअल HUF AOP BY AJP के लिए टोटल इनकम इंक्लूडिंग दिस 4 इनकम एक्सीड 50 लाख टू 1 करोड़, इज इट 10% ऑन ऑल काइंड ऑफ इनकम? यस। इस साल यहां पे एक अमेंडमेंट आया है, याद करके देखिए, एनहांस सरचार्ज जो था वो किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं था? 111A, 112A एंड डिविडेंड इनकम। इस साल एक अमेंडमेंट आया है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 112 है, इस पे भी एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है। राइट, अगर आपकी इनकम इंक्लूडिंग दिस 4 इनकम एक्सीड्स 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, द मैक्सिमम सरचार्ज रेट इज 15%। यस, अगर आपकी इनकम एक्सीड करती है, अदर इनकम आपकी एक्सीड करती है 2 करोड़ से, और ये 4 इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A एंड डिविडेंड इनकम, ये 4 इनकम पे मैक्सिमम सरचार्ज रेट 15%। अदर इनकम आपकी 2 करोड़ के ऊपर है तो अदर इनकम पे सरचार्ज रेट 25%। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपकी अदर इनकम 5 करोड़ से ऊपर है, अदर इनकम 5 करोड़ से ऊपर है, अदर इनकम पे सरचार्ज रेट 37%, एंड ये 4 इनकम पे मैक्सिमम सरचार्ज रेट इज 15%। याद कीजिए, अगर आपकी नॉर्मल इनकम प्लस कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम मिला के 2 करोड़ के ऊपर जा रही है, द मैक्सिमम सरचार्ज रेट इज 15%। याद आ रहा है मालिक? यस। चलिए आपको याद दिला दूं अदर के टैक्स रेट क्या है। ऐसी कंपनी जिसका प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 1920 की जगह दूसरा अमेंडमेंट क्या आ गया 2021, अगर कोई कंपनी है डोमेस्टिक कंपनी जिसका टर्नओवर 2021 में 400 करोड़ के ऊपर नहीं है, ऐसी कंपनी का टैक्स रेट क्या आएगा बेटा 25%। अदर सारी कंपनी का, डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट क्या है 30%। फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट क्या है बेटा 40%। क्या आप मुझे बता सकते हैं कंपनी के केस में सरचार्ज रेट क्या होगा? याद करके देखो बेटा, अगर कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है, इनकम 1 करोड़ तक के है, क्या कोई सरचार्ज एप्लीकेबल है? नहीं। 1 करोड़ से 10 करोड़ है डोमेस्टिक कंपनी के केस में, सरचार्ज रेट इज 7%। अगर कोई कंपनी है जिसका इनकम 10 करोड़ के ऊपर जा रहा है, सरचार्ज रेट इज 12%। यस, यही अगर फॉरेन कंपनी है 1 से 10 करोड़ के बीच में, सरचार्ज रेट इज 2%।
एंड अबाउट 10 करोड़, सरचार्ज रेट इज 5%। क्लियर है मेरे? तो पहला अमेंडमेंट था हमारा कि अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 112 में है, इस पे भी एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी चीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी मेरे दोस्तों अमेंडमेंट आया है। अमेंडमेंट क्या है जरा याद करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स रेट क्या है? पहले 10,000 तक की इनकम पे 10%, नेक्स्ट 10,000 पे 20%, बैलेंस पे 30%। डू कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज ऑप्शन टू पे टैक्स एज पर 115 BAD? यस। कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम अगर 1 करोड़ के ऊपर जाती थी तो हम सरचार्ज लगाते थे 12% के हिसाब से। अब अमेंडमेंट आया है, दिस इज द थर्ड अमेंडमेंट। अमेंडमेंट आया है कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में रहेगी तो 7% एंड 10 करोड़ के ऊपर रहेगी तो 12%। सो ये आया है अमेंडमेंट दोस्तों, ये है थर्ड अमेंडमेंट कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में इनकम 1 से 10 करोड़ तक के ब्रैकेट में है तो सरचार्ज 7%, 10 करोड़ के ऊपर है तो सरचार्ज इज 12%। याद रखिए, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो सरचार्ज रेट है इज इक्वल टू डोमेस्टिक कंपनी सरचार्ज रेट। क्लियर है मालिक? नेक्स्ट है एओपी बीयूआई के केस में अमेंडमेंट, फोर्थ अमेंडमेंट इन चैप्टर नंबर 1। एओपी बीयूआई के केस में जो टैक्स रेट है ये तो वही एप्लीकेबल है जो इंडिविजुअल को एप्लीकेबल होता है इन जनरल, या तो फिर यू नो 167 जो आपका टैक्स रेट देता है वो टैक्स रेट एप्लीकेबल होते हैं एओपी को। नाउ एओपी के केस में भी सरचार्ज रेट जो था वो इंडिविजुअल को था वही एप्लीकेबल था। इस साल एक अमेंडमेंट आया है, अगर कोई ऐसी एओपी है जिसके मेंबर सिर्फ कंपनी है, एक ऐसी एओपी है जिसके मेंबर सिर्फ कंपनी है, द मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज इज 15%। द मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज इज 15%। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो चार अमेंडमेंट थे। पहला कंपनीज के केस में 1920 की जगह 2021 कर दिया गया है। दूसरा अमेंडमेंट आपको दिया गया है कि भैया 112 वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे भी एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो सरचार्ज रेट है वो डोमेस्टिक कंपनी के साथ मैच कर दिया गया है। एओपी जिसमें मेंबर सिर्फ कंपनीज है, इनका मैक्सिमम सरचार्ज रेट कितने पे ला दिया गया है? 15%, 10 एंड 15। यस, तो एओपी के केस में उन्होंने कुछ इस तरह से किया है कि इनकम अगर 50 लाख से 1 करोड़ तक के है तो सरचार्ज रेट वुड बी 10%, अगर इनकम अबव 1 करोड़ है तो सरचार्ज रेट वुड बी 15%। हालांकि एओपी के केस में मैक्सिमम सरचार्ज रेट 15% से ऊपर जाएगा नहीं। क्लियर है मालिक? मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ, क्या मार्जिनल रिलीफ हर तरह के एसएससी के लिए एप्लीकेबल है? यस। क्या मार्जिनल रिलीफ के लिए ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है कि एग्जैक्टली मार्जिनल रिलीफ कब आता है? यस। बच्चों याद करके देखो, बच्चों याद करके देखो, मार्जिनल रिलीफ कैसे निकालते हैं? सबसे पहले अगर आप 50 लाख के ऊपर के अमाउंट पे, स्लाइटली अमाउंट पे आप मार्जिनल रिलीफ निकालना चाहते हैं, वी कैलकुलेट टैक्स अप टू 50 लाख, देन टोटल इनकम माइनस 50 लाख। यही 1 करोड़ के स्लाइटली ऊपर होगा तो टैक्स ऑन 1 करोड़ अलॉन्ग विद अ सरचार्ज ऑफ 10%, देन टोटल इनकम माइनस 1 लाख, एंड अकॉर्डिंगली आप एचईसी क्या कर दोगे? ऐड। क्लियर है मालिक? सो ये है आपका पूरा का पूरा चार्ट का फर्स्ट पेज जहां पे हम लोग बेसिक टैक्स कैलकुलेशन करते हैं। काम की चीज जो याद रखने लायक है, टैक्स रेट्स। यस, नेक्स्ट पेज जो है आपका ये बात करता है ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम की, जो आगे के वीडियो के अंदर में हम लोग कवर करेंगे। यस ऑर नो? यस। कितने मिनट में रिवाइज हो जाता है? 10 मिनट। आपका पूरा टॉपिक अगर कंप्लीट है, ये चार्ट 10 मिनट में आपके सारे अमेंडमेंट्स के साथ रिवाइज करवा देगा। इज दैट डन प्रभु? यस। सो खत्म करते हैं आज के लिए। कल से हम लोग नया टॉपिक चालू करने वाले हैं, ध्यान से सुनिए, कल से हम लोग नया टॉपिक चालू करने वाले हैं। मेरे पास दो ऑप्शन है, आप बताइए क्या करूं। मैं दोनों में कंफर्टेबल हूं, या तो मैं हेड्स चालू करूं या तो मैं असेसमेंट की सीरीज चालू करूं। आप जो बोलो मैं चालू कर दूंगा, मेरे को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं। असेसमेंट वाली सीरीज पहले चालू करूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पे फेस टू फेस में तो बोला जा रहा है कि मैं असेसमेंट वाली सीरीज चालू करूं। अगर मैंने असेसमेंट वाली सीरीज चालू करी तो तुम मान के चलो कौन कौन से टॉपिक आएंगे? इनकम टैक्स अथॉरिटी, रिटर्न ऑफ इनकम, असेसमेंट प्रोसीजर, अपील, रिविजन, रेक्टिफिकेशन, सर्च एंड सीजर। ये 7 टॉपिक एक साथ चिपक के आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब कनेक्टेड है। और अगर हेड चालू किया तो पहला हेड चालू करूंगा कैपिटल गेन, फिर IFOS, फिर PGBP, फिर TDS। नहीं नहीं सर, ठीक है, असेसमेंट ही कर लो, वहां घुस गए तो बहुत तपड़े हो जाएंगे, ठीक है। सो यहां पे ऑनलाइन जिस तरीके से बच्चे मुझे कह रहे हैं,
ऑनलाइन जिस तरीके से बच्चे मुझे कह रहे हैं, दे आर रिक्वेस्टिंग कि मैं असेसमेंट की सीरीज चालू करूं, तो ठीक है, इनकी रिक्वेस्ट के ऊपर मैं असेसमेंट की सीरीज चालू करता हूं। वैसे भी ये पूरे फ्री फास्ट ट्रैक में मेरे को पढ़ाना तो सब कुछ ही है, पर कल मैं असेसमेंट की सीरीज चालू करूंगा। इस असेसमेंट की सीरीज में मैं सबसे पहला टॉपिक जो चालू करूंगा वो चालू करूंगा रिटर्न ऑफ इनकम। तो आप और आपके दोस्त, रिटर्न ऑफ इनकम वाला कॉन्सेप्ट मैं चालू करने वाला हूं, जिसमें दो बड़े अमेंडमेंट है। पहला बड़ा अमेंडमेंट है अपडेटेड रिटर्न का, और दूसरा जो बड़ा अमेंडमेंट है वो आया है हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न को लेकर के। तो इसमें भी दो अमेंडमेंट है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार आपने अगर कहीं से भी पढ़ा होगा तो आप एक बार बस रफली इस टॉपिक को पूरा पढ़ के आइए, ताकि कल जब आप पढ़ के आएंगे तो इसमें और बेहतर होगा। तो क्वेश्चनर का भी चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया, दो ही क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए हुए हैं, राइट। ये दो क्वेश्चन आप बस करके आइएगा, साथ साथ में अगर आप क्वेश्चनर करते रहेंगे तो आपका काम खत्म हो जाएगा। तो आज था दिन दूसरा जिसमें हम लोगों ने किया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कल जब मैंने डिक्लेयर किया आज और बच्चे आए फेस टू फेस में, बहुत अच्छा लगा, लाइवली लगता है। तो आप या आपका कोई दोस्त पुणे में है और फेस टू फेस आके बैठना चाहता है तो बिंदास आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फेस टू फेस के साथ एक ही चीज होती है, YouTube पे आप मेरे भाई देख, तू हो सकता है प्रेस्टीज पे ही बैठ के लाइब्रेरी में देख रहा हो, ये वीडियो देख रहा हो, पर प्रॉब्लम पता है क्या है, तेरे को डिस्टर्बेंस होगा। तू फेस टू फेस में आके बैठेगा ना, तेरे को एक वाइब्रेशन फील होता है, यस, जो फाइनल की क्लास से मिसिंग है। तो आप या आपका दोस्त कोई आना चाहता है, बिंदास आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाय बोलो बच्चों।